नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट क्वालिफायर्स ग्रुप बी बाय गेम डॉट गॉट नाम है मेरे साथ यहां पर जुड़ने जा रहे हैं प्रसाद सबसे पहले बात करें प्रसाद आज की जितनी भी टीम्स यहां निकल कर आने वाले हमारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाले बहुत ही शानदार गेम प्ले दे देखने मिलने वाले मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज क्या कुछ होने बट ये बोलूंगा क्या कुछ सीखने के लिए मिलने वाले कौन कौन सा प्लेयर आज यहाँ पर बिल्कुल अपना जलवा दिखाएगा जी बिल्कुल वो ग्रैंड फाइनल्स की शुरुआत की जर्नी का हम आज देखने वाले देखते हैं यार सेमीफाइनल का टिकट इस ग्रुप से कौन सी टीम कन्फर्म करेगी एंड हमें यहाँ पर सेमीफाइनल्स में एंटरटेन करते नजर आएगी

देखना होगा एंड आई थिंक अगर मैं बात करूं इन दोनों ही टीम्स को लेकर तो प्रो लीग के अंदर हमने देखा ये टीम दोनों ही जो है वो टॉप पोजीशन लेकर बैठी रहेंगे तो देखना पड़ेगा फिलहाल कितना अच्छा गेम दिखलाकर जा पाएगी पाएगी वो भी हमको देखना पड़ेगा बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज एक्सपर्टी पर बट पीक के आई थिंक सेम ड्रॉप लोकेशन हो सकता है जी बिल्कुल देखते हैं यहाँ पे दोनों एक साथ उतरेगी या फिर इन सारी टीम्स के चलते कोई ना कोई टीम अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाएगी भी चार्स पे होने वाली देखेंगे हमारे चार्ट आज कितना ज्यादा हार्ड गेम प्ले करते टीम सोल भी हमारे साथ होने वाली तो यार एसेट 12 के बुयाज देखने के लिए बहुत ज्यादा मजा आएगा बात करेंगे गेमिंग सुब्रिता के बारे में हर बार यार ये बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाते हैं फैंस को खुश करने की कोशिश करते हैं इनका जो रश है इनकी स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा कमाल की है यार पॉजिटिव बारे में पर्टिकुलरली बात किया तो ये लूट कर सीधा ब्राजीलिया के ऊपर आते हैं हर घर यहाँ पे चप्पा चप्पा छान मारते हैं मजा आता है इनका यहाँ पे ढूंढ कर किसी टीम को यहाँ पे वाइप आउट करना वो देखकर फिलहाल जीजे आमी भी होने वाली देखते हैं इनकी तरफ से यहाँ पे डबल वेक्टर का गेम प्ले कौन सी टीम दिखाते हैं हमारे प्रोमित भाई जो है वो कितनी अच्छी लीडिंग करते हैं एम गेमिंग इनकी तरफ से एक प्लेयर को मैं जानता हूँ बकार डी बहुत अच्छा गेम प्ले करते हैं रोटेशन डॉजेस हमेशा लेते हैं वन वी टू वन वी थ्री क्लेश

फैन फेवरेट टीम यहाँ पे होने वाली नमूने इसी के साथ साथ संजीव देखते हैं आज यहाँ पे लॉर्ड राज कैसा गेम प्ले दिखाने वाला है बहुत बार हम देखते हैं इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है बट यार आज इनका कौन सा लाइनअप होगा वो भी देखने के लिए मजा आएगा क्योंकि स्नाइपिंग पावर आज बहुत सारी टीम को डॉमिनेट करेगी जी बिल्कुल पर देखना पड़ेगा फिलहाल पीवीएस गेमिंग इसके बाद होने वाली कितना अच्छा गेम प्ले कर जा पाएंगे साथ साथ ऋषि गेमिंग यहाँ ये हमारी बारह की बारह टीम नाम लीजिए आपकी जो भी फेवरेट टीम है बिल्कुल अपनी फेवरेट टीम्स के लगाना स्टार्ट कर और साथ साथ लाइक नहीं करता एक साथ लाइक करना है शेयर करके अपने दोस्तों के यहाँ पर ब्लॉक लाना साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट जरूर करें इसी हाँ. के साथ साथ एक बार चलते हैं मैप्स का फॉर्मेट जान लेते हैं टोटल सिक्स मैचेस यहां पर रहने वाले कौन कौन से मैप्स हमको देखने मिलेंगे आई सबसे पहला मैप होने वाला yes. बरमुडा मैप एक्सपीरियंस रहेगा हर टीम को कहाँ उतरना है कैसे रोटेशन लेना बट थोड़ा सा सोच समझ कर जाना पड़ेगा क्योंकि थर्ड सर्कल के अंदर जगह बनाना बनाने आसान नहीं रहता बट परगेटरी मैप थोड़ा लंबा रहेगा मेरा मानना यही रहेगा कि सेकंड मैच है तो आई थिंक हमें स्टार्टिंग फाइट देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं है तो रिसोर्सेज बिल्कुल एक एरिया के ऊपर भी दो टीम्स इजिली लूट कर पाएंगे बट कालाहरी मैप थोड़ा सा डिफरेंट लेकर जाएगा आई थिंक जितनी भी टीम सेंटर में उतरेगी उतना ज्यादा फायदा इनको पर देखने लिए मिल जाएंगे इसी के साथ साथ फॉरगेटरी एक और बार जो ये मैप्स है हमको रिपीट होते हुए नजर आ जाएंगे टोटल सिक्स मैचेस यहाँ पर होने वाले हैं साफ साफ आपको क्लियरली मैं बोल देना चाहता हूँ यहाँ से टॉप फोर टीम जो है वो क्वालिफाई होकर जाने वाले यानी कि चार नाम कौन से होंगे जो आज यहाँ पर छह मैच में मचाएंगे उधम बिल्कुल देखता है ऊधम के साथ साथ धूम धड़ाका कौन सी टीम करेगी जी हाँ गाइस मजा बहुत आएगा बिकॉज आज बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम होने वाले इनका गेम प्ले हम सभी ने बहुत सारी टूर्नामेंट में देखा बेटा एक चीज आपको यहाँ पे एक्साइटमेंट और भी बढ़ा देगी वो आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी टूर्नामेंट में होता है ऐसा है कि कुछ लॉबीज एक साथ आ जाती है यहाँ पे हमेशा बहुत सारी टीम एक ही लॉबी में ऐसी आ जाती है जो एक्टिव गेम प्ले खेलना पसंद करती है बिल्कुल कुछ ऐसी होती है जो पैसिव गेम प्ले खेलना पसंद थी वहां एक्साइटमेंट उस वजह से बढ़ जाता है कि यार आखिरी सर्कल में ढेर सारी टीम मौजूद हो जाती है आज देखेंगे यहाँ पे एक्टिव या

मास को अपना कदम यहाँ पे जमाने की कोशिश करेगी इस, तो को इस बार जाना चाहिए होने वाले देखते, क्या कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला बट संजीव एक बात तो बहुत ज्यादा हॉट होने वाला है नमूने को यहाँ पे थिंक ऋषि के साथ लैंड एंड फाइट करनी होगी

जी बिल्कुल देखते हैं आज मेल को अपना फेवरेट प्लेस माना गया इस बार पीवीएस के साथ पंगा लेगी या फिर इस बार आर्मी से होने वाले गैस राहुल स्मोकी जी हाँ गैस देखते हैं इस बार यहां पे शिबा का गेम प्ले किस प्रकार से होता है स्टीव को बहुत बार हमने देखा गया जिसन आर्मी का एक आई थिंक यहाँ पे बैकबोन कहा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज स्टीव को बहुत बार देखा हमने ये सोलो सर्वाइविंग भी काफी स्ट्रॉग तरीके से करते हैं एंड फायर पावर इनका नेक्स्ट लेवल इस बार प्लाज्मा हाथ में होने वाली है देखेंगे शिवा के पास पे कौन कौन से वेपन है वुड पिकर के साथ खेलना पसंद करें स्मोकी विद आई टी एंड बात करेंगे राहुल के बारे में बिकॉज

साथ ही साथ उसका प्राइस फुल होने वाला पचास हजार का कमेंट सेक्शन में उसका रजिस्ट्रेशन लिंक हमने देखे रखे तो गाइज रजिस्टर कीजिएगा खुद के टीम को एंड मौका दीजिएगा इन सारी प्रभावशाली टीम के विरुद्ध अपना गेम प्ले दिखाने का फिलहाल देखते हैं सासरामी क्या यहाँ पे तैयार हो पाएगी यहाँ पे जीजे रामी का एक कमाल का श झ झझ झेलने के लिए फिलहाल अपने एक प्लेयर को खो दिया एंड स्टीव जिनके बारे में मैं बात कर रहा था हमेशा बहुत अच्छे फ्रैक्स निकलते हैं उन, उनको ही खो दिया पहले मैच में तो थोड़ा बहुत शेख नजर जरूर आएंगे बट देखते हैं मिल को कब तक अपना पाते हैं एम बहुत ज्यादा लो है बात करेंगे पीवीएस गेमिंग के बारे में तो इनके पास हीलिंग रिसोर्सेस नहीं है बट क्या यहाँ पर इवेंट फायर ले पाएंगे क्या सामी को डोमिनेट पाएंगे बिकॉज गाइस अभी तक सिर्फ एक टीम यहाँ पे बैक टू लॉ भी भेजी गई है वो थी हमारी ऋषि गेमिंग की टीम उनको बैक टू लॉ भी भेजा नमूने ने ऑन द ऑब्जर्विटी थोड़ी देर पहले उस फाइट का मजा हमने जरूर उठाया तो यार देखते हैं इस बार मिल के कौन से ने अपना कदम जमाएगी है एंड कौन से ने अपना झंडा लहराएगी बट संजीव यहाँ पे थर्ड पार्टी के चांसेस अभी भी जारी है क्या लगता है आपको कौन सी टीम यहाँ पे आएगी कौन सी टीम मिल के ऊपर डोमिनेट करेगी या शशासनामी क्लच गॉड्स या फिर यहाँ पे पीवीएस गेमिंग बट आई थिंक यहाँ पर गिर कर कहना कि नॉक देखने को मिल रहा है क्या गिरे हुए हैं या फिर यहां पे कहीं डैमेज है वो जरूर पता चलेगा क्या लगता है यहाँ पे ये खेल सासनामी के खाते में जाएगा या फिर जी बिल्कुल तीन रखना चाहेंगे यहां पर सर्वाइव करने के लिए सी के साथ साथ गाइस मैं आपके सारे कमेंट पढ़ने वाले यहां पर कमेंट आपकी तरफ से कर आ रहा है उसका आंसर बिल्कुल मैं देना चाहूंगा बट टीम लीड गाइस नोट डाउन कर के लीजिएगा केप टाउन का के एरिया सेफली लूट करना चाहेंगे इसी के साथ साथ ओडिशन अच्छे खासे यहाँ पर लेने पड़ेंगे अजय अरोड़ा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछने हैं। में उनका क्वेश्चन का रिप्लाई देना चाहूंगा उनका क्वेश्चन है भाई एम MP5 और एमपी फाइव और UMP एम पी विच इज बेस्ट इन टूर्नामेंट एंड थैंक फॉर आंसर तो यहाँ पर पहले से थैंक यू बोले तो गाइस मैं आपको यूएम के साथ जाने की सलाह देना चाहूंगा कि यूम में गाइस मोस्टली अभी रिसेंटली अपडेट के बाद जो आई थिंक एक्यूरेसी थी वो थोड़ी सी बढ़ाई गई है एंड एमपी फाइव में गाइस थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये रहता है कि आप लोग बॉडी डैमेज दोगे तो वो कम आएगा एंड हेडशॉट इजीली कनेक्ट कर पाओगे बट यूएमी में ये दोनों ही चीजें आपको आसानी से देखने लिए मिल जाएगा यानी कि बॉडी डैमेज अच्छा खासा देखने लिए मिल जाएगा हेडशॉट आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाओगे तो गाइस यूएमपी आप लोग प्रेफर कर सकते हो एंड बहुत ज्यादा मजा आएगा जब आप लोग नौ यहाँ आप निकालोगे टीम्स को डोमिनेट करोगे तो फिलहाल हम लोग बात करना चाहेंगे इस एसिड यूएल एंड मार्टिन इस टीम के आन बान शान होने वाले हैं देखना पड़ेगा मार्टिन कितने खेल से आप निकालेंगे टीम्स को कितना आगे तक लेकर जा पाएंगे जी मिस्टर गेमर एंड मार्टिन यहाँ पर क्या कुछ रंग दिखलाकर जा पाएंगे बट बर... पूरी टीम को एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन सेट करना पड़ेगा फिलहाल तो एरिया अच्छा खासा निकल कर आ गया हंगर के एरिया के ऊपर हमको देखने को मिल जाएगा बट गाइस मैं बात करूंगा यहाँ पर टीम लीड को लेकर तो गाइस टीम लीड बहुत शांति शांत प्रतीक से खेलती लाइक उनको पहले मतलब नहीं रहता कि यार स्टार्टिंग में फाट है उनका ड्रॉप लोकेशन ऐसा कि कोई भी टीम उनके साथ उतरना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी उन्हें नहीं वो नहीं चाहिए कि यार हमें स्टार्टिंग में एलिमिनेशन देखना पड़ जाए तो इसीलिए टीमलेट सेफली लूट करती है येलो टोकन लेती है वेंडिंग मशीन से स्नाइपर्स पहाड़ी को पकड़ा दी जाती है उसके बाद जो खेल शुरू होता है आई थिंक वो हमारे व्यूअर्स बहुत ही अच्छा अच्छे तरीके से जानते हैं तो कैस आपको करना क्या है आपको स्ट्रीम को एक साथ लाइक करना शेयर करना है, है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बैल कॉल पर जरूर सेट कर लेना बट यहां पर आई थिंक पहाड़ी थॉमसन एंड सिंगल एमिट टू बी रहने वाले एक और एमिट टू बी के लिए गुहार लगाई जाएगी जल्दी से जल्दी ढूंढ कर उनको दी जाए बट गाइस इलेवन टीम से वाली फिलहाल एक टीम का एलिमिनेशन यहाँ पर दे देगा एनसी के साथ साथ जी आर्मी की फाइट पर वाली कौन जीत कर जाएगा ये जी आगे बढ़ेंगे एनसी के साथ क्या कोई अब निकाल पाएंगे फिलहाल किल्स को कंफर्म नहीं किया गया एंड यहाँ पर गेमिंग सुवरता थोड़ा सा अटैकिंग वे में खेलना चाहिए बट ये जो एरिया है वो थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है क्योंकि पीछे एक और टीम निकल कर आने वाली वाले उसका नाम मैं लेना चाहूंगा एमडीएस गेमिंग तो गैस आप लोग समझ सकते हो जी जी आर्मी एक ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई अगर पीछे से कोई टीम आती है

फाइट लेने स्टार्टिंग में गाइस आपको भी यही ट्राई करना मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स की अगर मैं बात कर पर पहले टूर्नामेंट के अंदर जो टीम्स रहती है वो सेफ गेम पे दिख लाना चाहिए इसीलिए आप लोग देखते होंगे थर्ड फिर सर्कल यहाँ पर सेकंड लास्ट सर्कल तक बहुत सारी टीम अलाइव रहती है जी बिल्कुल अभी तक एक ही टीम यहाँ पे बैक टू लॉबी भेजी गई है बात करेंगे हम यहाँ पर टी एच जॉर्ज के बारे में वन जाविज बात करेंगे हम यहाँ पे उनके

ये भी एक सवाल होने वाला है बट बात करेंगे उनके यहां से भागने के बारे में तो यार उनके बिल्कुल करीब एक लॉन्च पैड होने वाला है अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो नमूना नमूनैन फोर दोनों को एक साथ यहाँ पे पीछे छोड़ देंगे और आगे बढ़कर सर्कल का फेवर भी किया जाएगा भी दिखाया जाएगा एंड वहां पर एक अच्छी पोजिशन सबसे सब पहले बनानी होगी बिकॉज ये सर्कल अगर नेक्स्ट सर्कल को राउंड को टच हो गया तो ये जो डैमेज रिंग का वो और ज्यादा दुगना हो जाएगा देखता है

पे भीमा भी शक्ति की तरफ बढ़ा रहे संजीव इन चार टीम्स के पार्टी में फोर वो पांचवी टीम रहेगी देखते हैं कौन सी टीम यहां पे सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगी जी बिल्कुल बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक टीम को लाइक नहीं दिया लाइक एंड एक की शेयर करना अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाकर लाना आपकी फेवरेट टीम से पर खेलने वाले तो गाइज फटाउट से आइए शेयर कीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बेहलाइकन कॉल पर जरूर सेट करिएगा एंड यहाँ पर टीम लीड की बात करना चाहेंगे टीम लीड थोड़ा सेफ गेम दिखाना चाहेंगे जी जी आर्मी के सामने एक मुश्किलों बड़ा तूफान जो है वो खड़े रहने वाले के साथ साथ एल शेप ज्यादा देर तक आई थिंक एक सेफ कंपाउंड अब नहीं रहा पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा सेफ होता था जहां पर टीम्स टीम सकसर, एलशिप का कवर लेकर बैठ जाती थी बट अभी बहुत ज्यादा थ्रू किए जाते तो जिसका नुकसान यहाँ पर टीम्स को देखना पड़ जाता है बट गेमिंग सुबहता की बात करना चाहूंगा यूए भी निकल कर आ चुका है अनमेड एरियल वहीकिल अगर गाइस गा, मैं यहाँ पर बात करता हूं तो पीछे कोई भी टीम नहीं है इट्स येलो सर्कल में जितनी भी टीम्स होती है जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनकी लोकेशन रिवील हो जाती है कोई भी प्लेयर जहां पर फैंकर का भी काम कर रहा होगा हर एक की लोकेशन यहाँ पर रिवील हो जाएगी तो गाइस बिल्कुल हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे बट एक जो हमारे व्यूअर की तरफ से क्वेश्चन निकल कर आया एनएसजी एस पर पूछ रहे की कि गन्स किन अलाउड है या नहीं तो गाय यहाँ पर गन एट्रीब्यूट ऑफ रहेंगे बिल्कुल तो देखना पड़ेगा आज कौन कौन सी टीम वो बहुत अच्छा जलवा दिखाकर जाएंगे फिलहाल तो रुपेश की मैं बात करूंगा इन इस एलशेप को रोकना थोड़ा सा कठिन रहता है क्योंकि नीचे से भी टीम आ सकती है ऊपर से एक टीम लाइक यहाँ की गाइस सिंपल स्ट्रेटी मैं आपको समझा देता हूँ कभी आपको एल शेप के ऊपर रश करना हो तो बहुत ही सिंपल रहेगा जो टीम ऊपर की तरफ बैठी हुई है उसको थोड़ा सा राइट में एक जो इलेक्ट्रिक टावर है वहां पर जाना है जिससे पूरा का पूरा एल शेप की जो छत है वो अगर आपको देखने के लिए मिल जा रही है तो एक प्लेयर को कवर फायर देना लाइक एम एट वाला प्लेयर है तो बहुत अच्छा कवर फायर दे पाएगा एंड बाकी प्लेयर्स को रश करना है नेट स्त्रो जो भी प्लेयर्स ऊपर होंगे वो इधर उधर भागेंगे एंड जो दूर से कवर फायर दे रहा होगा बिल्कुल यहां पर नॉक निकाल पाए बात करेंगे सैसेन आर्मी वर्सेस टीम मिलिट पोजीशन यहाँ पर ले ली गई लिखे टीम क्या लगता है पर एलिमिनेट कर पाएंगे या फिर सैसे आर्मी एक बहुत बड़ा झटका देने वाले किसके पास कितने किस करा पाएंगे कौन पहले मैच के अंदर बू या यहाँ से लेकर जा पाएगा बिल्कुल अपनी फेवरेट टीम के लिए हैशटैग लगाते लाइक नहीं करते तो लाइक कीजिए शेयर करें जल्दी जल्दी जाइए और अपने दोस्तों को बुला कर ले बट मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा टीम इलेट थिंक पहाड़ी के पास क्या डबल एम एट टू बी आ गई है या फिर वो सिर्फ एक एम एट टू वी साथ एक अच्छी फाइट यहाँ पर लेना पसंद करेंगे तो गाइस चारों प्लेयर सहने वाले बट अभी तक आई थिंक पहाड़ी को मिली नहीं है अगर डबल मिल जाती तो शायद से कुछ रश हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता था जी बिल्कुल फिलहाल एक थॉमसन एंड एक एम के साथ यहाँ पे खेलना पसंद करेंगे बट यार मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अगर टीम इलेट ने यहाँ पे आर्मी का खाता बंद कर दिया तो जो अच्छी शुरुआत इन्होंने पीवीएस

आई हार्ड फैन हो अपनी फेवरेट टीम के अगर अपनी फेवरेट टीम का सपोर्ट यहां पे बढ़ाना चाहते हो तो करो शेयर इस स्ट्रीम को अपने फ्रेंड्स के साथ बताओ उनको कि आपकी फेवरेट टीम यहां पे सेमी फाइनल्स का टिकट कंफर्म करने के लिए क्वार्टर फाइनल्स में पूरी जान लगा रही है एंड जी आपको खुश करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे एक्शन सीज क्रिएट करे बिलाल आड़ी पे विद एम एक प्लेयर को डामे देने की कोशिश वो कैंग लगाकर यहाँ पे बिल्कुल आए थे बट उस वूकों को भी यहाँ पे धारा कर दिया एंड आड़ी पे यहाँ पे एक किल का जरूर लगा देंगे बट के के ट्रेड फायर में खुद भी हो चुके हैं एंड पे पे तीन किल्स टीम मिनट बच जरूर जाएगा लैंड एंड पे शुरुआत नहीं की बट आगे बढ़कर एक टीम के साथ पंगा जरूर लिया तीन किल्स आते में चारों प्लेयर लाइव ये बहुत अच्छी खबर होने वाली देखते टीम मिनट की इस पार्टी को और कौन सी टीम आकर ज्वाइन करती बिकॉज बहुत करीब एक और टीम नजर आ रही है जीजर आर्मी बहुत ज्यादा करीब होने वाले हैं टीम मिनट के ऊपर जीज आर्मी का एक कमाल का रश देखते

और टीम का यहां पे कहीं ना कहीं ऐलान हो जाएगा ऊपर से यहाँ पे नमूने दूसरी साइड से मचाते तो नजर आ रही है संजीव हमने देखा था ऑब्जर्वेटरी के ऊपर शुरुआत की थी, थी बैक टू भेजा गया था एक टीम को एंड वहां से लेके आगे तक पांच किल यहाँ पे टोटल जोड़ के बैठे देखते तीन प्लेयर इस पहले मैच से कितने पॉइंट इकट्ठा करके जाएंगे जी बिल्कुल अब देखना पड़ेगा कौन सी टीम सर्कल के अंदर व्यूअर की तरफ से विच वेपन इज गुड फॉर लॉन्ग रेंज एम टू बी ए और एम और कार नाइनटी इसका सिंपल आंसर मैं देना चाहूंगा अगर सबसे पहले आपके पास अगर डबल एम टू भी है तो आपको डबल एम टू भी चलाने उसके बाद अगर आपके पास ए एम है तो आप लोग ए एम चला सकते हैं टू भी के साथ नहीं तो कार नाइनटीट एक अच्छा कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है और साथ साथ एक डिफॉल्ट टीम कनेक्ट कर सकते हो डिफॉल्ट टीम के साथ एक एम टू भी नहीं तो एडब्ल्यूएम आप लोग कनेक्ट कर सकते हो बहुत ही शानदार फार्ट आप लोग यहां पर देख लोगे बट यहां पर टी हैं टीएसजी बिल्कुल खिल्स निकालना चाहेंगे सी के साथ साथ बहुत सारी फाइट्स हमें सेम टाइम पर देखेंगे देखने के लिए मिल जाएगा राहुल को बहुत ज्यादा लोग करके रखा जाएगा सास जाएंगे पर रश करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे आगे बढ़ेगा एमपी5 जिया यहां पर अपने शॉप कर पाएंगे फिनिश करेंगे बहुत ही प्यारे अंदाज में तीन किल्स यहां पर निकालेंगे अपने लिए सर्कल में जगह भी कहने की बना लेंगे बट टीम मिलिट थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं फिनिश ऑफ करेंगे एमडीएस का किल्स गाइस टीम मिलीट की शुरुआत है आपने को नहीं तो, तो शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिएगा मैं सारे कमेंट्स आपको यहाँ पर रीड आउट करने वाले हैं, आपको यहां पर अंदाज में शायरी यहां पर लिख देने दो लाइन की शायरी एंड हम लोग हर एक कमेंट यहां पर रीड आउट करने वाले हैं जी बिल्कुल आपको से यहाँ पे इस टीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा ताकि आपकी फेवरेट टीम का सपोर्ट यहां पर बढ़ पाए आप भी यहाँ पे अपने टीम को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाए मोटिवेट कर पाए तो गाइस देखते हैं पे क्या कुछ होने वाला फिलहाल चलते हैं फोर उनके साथ साथ आगे हम भी दो किल्स कर आगे बढ़ने की कोशिश राइट साइड एक टीम को यहाँ पे स्पॉट करके रखा है देखते हैं उनको डोमिनेट कर पाएंगे यहाँ के मार्टिन को जरूर यहाँ पे क्रोजा के साथ नॉक करके रखा है उनको रिवाइव देने का मौका मिलेगा या फिर बिकॉज दूसरी साइड से टी मिनट भी यहाँ पे कहना की एस एल्व के सैंडविच बनाने के लिए रेडियो

चली जाएगी oh! क्या लगता है संजीव इस बार टीम मिनट या फिर फोन बिकॉज दो प्लेस यहां पे कंफर्म हो चुके हैं

सारी प्रभावशाली टीम आपके विरुद्ध खेलेगी तो आपको भी मौका मिलेगा इन सारी टीम के विरुद्ध खेलकर अपना गेम प्ले टेस्ट करने का करियर बनाने का ढेर सारे प्राइजेस देने का बिकॉज जैसा कि आप हर बार सुन रहे हो इसका प्राइज फुल होने वाला है पचास हजार का जी सुबह फराउट से आएगा आपके अगेंस्ट में आपकी फेवरेट टीम्स खेलने वाले यानी कि आपको मौका मिलेगा उनको डोमिनेट करने का उनको हराने का बहुत कुछ सीखने का मौका आपको यहाँ पर मिलने वाला फराट से आना टूर्नामेंट का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन करके रखा और साथ साथ कैरी मीनाटी गेल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया फराउट से आना और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना हम लोग यहाँ पर बात करना चाहेंगे परगेटरी मैप को लेकर बट यार पहला मैप जो पर कंप्लीट हुआ है फोर रन एंड टीम लीड दोनों टीम्स ऐसे रहेंगे जिनके पास ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर कहीं ना कहीं निकल कर रहा है भले टीम लीड ने ज्यादा किस निकाली हो बट फोर रन एक्स्ट्रा तीन पॉइंट लेकर जाएगी बुया करने के तो यहां पर वो तीन पॉइंट इतनी आसानी से कम नहीं कर पाती टीम्स को उन, उनके लिए यहां पर तीन किल पॉइंट एक्स्ट्रा निकालने पड़ते हैं पर देखना होगा परगेटरी मैप लूट की कमी नहीं रहती तो यार बरूड़ा में अच्छे लूट यहां पर ली गई थी लास्टली जो रश यहां पर किया गया

यहाँ पर दे दिया के साथ साथ गाइस अगला मैप यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा बात करूंगा प्लेन पाथ तरफ से निकल जाएगा एंड यहाँ पर टीम लीड पूरा का पूरा स्की लॉज एंड फोर्स का एरिया पर लूट करना चाहेंगे एंड बात करूंगा यहाँ पर आई थिंक देखा जाए तो दोनों एरियाज के ऊपर अच्छी खासी लूट देखने लिए मिल जाएगी एंड डबल स्नाइपर इस बार पहाड़ी को पकड़ाई जाएगी एंड मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा इस ब्राजील है बहुत सारी टीम्स उतरने वाली है थोड़ा थोड़ा करके रोटेशन यहाँ पर लेना पड़ेगा यहाँ से धीरे धीरे करके आगे जाना पड़ेगा बट गाइस टीवीएस गेमिंग ब्राजीला को एरिया उनके पास निकल कर आ जाएगा बट ऋषि गेमिंग सेम जगह पर उतना पसंद करेंगे एनसी के साथ असमी की बात की जाए तो उनका मुकाबला यूजी एम्पायर के साथ हमें देखने मिल जाएगा सेंट्रल का एरिया उनके पास निकल कर आ जाएगा एंड नंबर टीम जी आका बहुत सारी टीम से एक साथ फाट लेना चाहिए गेमिंग सुब्रता क्या यहाँ पर निकल पाएंगे फिलहाल एक नॉक यहाँ पर निकालकर रखा जाएगा को फिनिश ऑफ किया जाएगा नमूने थोड़ा सा टबल में फंसने वाले अच्छे का एरिया को बचाना पड़ेगा नहीं तो यहाँ पर स्टार्टिंग एलिमिनेशन हमको देखने के लिए मिल सकता है जी बिल्कुल फिलहाल बात करेंगे गाइज यहाँ पे टी के बारे में तो पिछली बार शुरुआत काफी अच्छी हुई बट कहीं ना कहीं टीम इलेट की तरफ से वो कमाल की गेट कीपिंग यानी पहाड़ी की कमाल की डबल स्नाइपिंग यहाँ पे टीएच को आगे आने से बिल्कुल रोक रही थी फिलहाल देखेंगे यहाँ पे इस बार क्या कुछ होने वाला बेटा सात सिन्द में जरूर यूजी के साथ पंगा लेगी उनकी फाइट यहाँ पे शुरू हो चुकी है जी देखते हैं यहाँ पे कितने सारे खेल्स उन्होंने यहाँ पे निकाल करके फिलहाल के बात करेंगे यहाँ पे टीएजी के साथ भी लैंड एंड फाइट का टीम को बहुत लो करेंगे। सामने जो प्लेयर होने वाले मैक्सिमन होने वाली तो बिल्कुल रश करने का एक बेहतरीन मौका होने वाला है कोई भी कवर फायर देने के लिए चावा बॉय को यहाँ पे उनके टीममेट नहीं होने वाले तो ये सही मौका एक और खेल अपने खाते में जोड़कर यूजी को एक आखिरी बैक टू लॉबी का रास्ता दिखाने का देखते हैं इस बार यहाँ पे रास्ता दिखा पाएंगे या बने बट बिल्कुल यहाँ पे आशा दिखा पाएंगे डबल किल शिवानी यहाँ पे जोड़ के रहेगा सिंगल किल राहुल सिंगल किल स्टीव और अच्छी खबर ये की गाइस एक भी प्लेयर को खोया नहीं सेंट्रल अब पूरा का पूरा सासनामी का होने वाला है पिछली बार यहाँ पे शुरुआत अच्छी हुई

अच्छे कासे किल्स उठाए ट्वेंटी थ्री पॉइंट उनके पास होने वाले बट टीम मिलेट अपने किल्स के चलते, सेम पॉइंट्स के साथ सेकंड करने की बात करेंगे संजीव टीएच के बारे में तो ऑलमोस्ट अब डबल पॉइंट्स होने वाले अगर यहाँ पे सेकंड प्लेस हड़प नहीं है तो जी बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा टोटल रैंकिंग के अंदर बहुत ही शानदार आई थिंक दोनों ही टीम से यार किल में कोई भी कमी नहीं छोड़ी देखा है तो गाइस फोर रन ग्यारह किल लेकर गए तो जिस चीज की मैंने बात की थी यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छा से लेकर जा पाई बट गाइस अभी हम लोग फाइट की बात करना चाहेंगे बट यहाँ पर सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा एंड एक प्लेयर को ऑलरेडी यहाँ पर फिनिश कर दें पीवीएस का पलड़ा यहाँ पर भारी रहने वाला इम्बोट की बात करेंगे तो पीवीएस गेमिंग यहाँ पर पूरा का पूरा रोटेशन लेकर आगे जाएंगे वुड पैक करके मैं अच्छा खासा डैमेज देने की कोशिश यहां पर की जाएगी बट ज्यादा काम नहीं आ पाएगा अगर हेड कनेक्ट हो पाता तो शायद से नौ के रश हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता बट प्लेयर्स हर एक तरफ से घेरने की कोशिश यहां पर करेंगे यहाँ पर क्या कुछ कर पाएंगे पीवीएस से

आपकी तरफ से जो एक कमेंट था वो यहाँ पर निकल कर आया था कि गाइस मिड रेंज के लिए कौन सा वेपन हम लोग यूज करें तो गाइस मिड रेंज के लिए आप लोग बहुत सारे वेपन यूज कर सकते हो लाइक ग्रोजा है ग्रोजा यूज कर सकते हो एम टू फोर नाइन को मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज दोनों में यूज कर सकते हैं वॉल अच्छी खासी आपको तोड़ के देगा और साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा वेपन होते हैं लाइक वुपैपकर हो गया ड्रेगनो होगा इन वेपन को गाइस ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करना क्या ये आपको ज्यादा मदद करेंगे लाइक शॉर्ट रेंज भी अगर हो जाता है तो लाइक अगर मैं एक ड्रैगनो का ड्रैगनो का एक शॉर्ट अगर कनेक्ट कर देता हूं हो गया गया। सत्तर डैमेज भी yes. आ गया तो मुझे रश में बहुत आसानी मिलेगी जी बिल्कुल आ, मैं, जब यहाँ पे सवाल पूछते मैं एक ही बात कहता हूँ आप, जो, जो एयर वेपन के साथ खेलते हो तो यहाँ पे ग्रोजर रखो एंड एक के पास यहाँ पे वी एस एस रीपर बुलेट रखो तीनों का डैमेज अगर एक साथ मिला जाए अगर आपका फायर पावर सटीक हो तो बुलेट की आप बिल्कुल उसका कमाल देख पाते हो हमेशा एसबीडी एंड वुड बहुत ज्यादा डैमेज देती है बहुत ज्यादा स्प्रेड एंड रेट ऑफ फायर के साथ अच्छा खासा डैमेज करने में काम आती तो है काबिलियके पास बहुत बढ़िया तो आप इन दो वेपन के साथ जरूर जा सकते हो बट यार 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 आप अगर तो नहीं है तो रेट ऑफ फायर चूज कीजिएगा फिलहाल देखते हैं यहां पे रेट ऑफ फायर एंड फायर पावर दोनों में

पे कभी भी पलट सकते हैं जो जाल यहाँ पे किट्टू ने बिछा के रखा था वो यहां पे कभी भी आदि को कर सकता धाराशाह का शॉट जाएगा किट्टू पे आदि को धाराशाह जरूर करेंगे ने यहाँ पे थोड़ी सी अनहेल्दी हो जाएगी गेमिंग सुब्रता ने दो किल्स यहाँ पे उठा के रखे बट फाइट अभी भी यहां पे पास पलटा सकती है जहां गए फाइट अगर छिड़ गई तो टू वि थ्री बैटल करना होगा जिसमें ने बहुत ज्यादा काबिल है देखते हैं इस बार सर्कल का एडवांटेज मिल पाएगा या फिर बट इस स्पायर अगर खुद को रिट्रीट कर पाते भाविक तो बिल्कुल सर्कल के अंदर जा पाएंगे क्या लगता है संजीव यहां से रिट्रीट कर पाएंगे या फिर बिकॉज दो प्लेयर से दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर बिल्कुल बहुत दूर रहने वाले नमूने के जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा इसी के साथ गाइस बोलना चाहूंगा अगर आप लोग भी खेलना चाहते तो बहुत ही सिंपल अगर आपने अभी तक फैन फॉर टूर्नामेंट सीजन टू ज्वाइन नहीं किया तो गाइस टूर्नामेंट टूर्नामेंट लिंक जो वो चैट में पिन करके रखा और साथ साथ कैरी मनाडी गिल को भी ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया फिफ्टी थाउजें का प्राइस पूल आपको देखने मिल जाएगा बहुत ज्यादा जाएगा जब आप लोग बड़ी बड़ी टीम्स को डोमिनेट करोगे अपने गेम प्ले का लेवल दर्शाओगे अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट करेगा तो गाइस फटाफट से आना है और जल्दी से जल्दी

बिल्कुल करेक्टली सटीक यहां पर ना आखिरी प्लेयर जो बचे हुए हैं वो स्पोर्ट्स का लेकर बचकर यहां से जान बचाकर भागने की कोशिश करना चाहेगा बट क्या लगता है इस निकलने की कोई भी उम्मीद यहां पर होने वाली है, नहीं होने वाली बट देखना पड़ेगा आई थिंक स्टीव नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो प्लेयर रोटेशन लेने की जाने की कोशिश करेगा बट आई थिंक पहाड़ पर जाना थोड़ा सा Impossible हो सकता है अगर सेफ्टी निकल के तो से बड़ा देंगे, एक बहुत बड़ी कर अगर रोड रोड जाते तो से वो निकल जाते यहाँ पे ना कि गाड़ी भी फोड़ी गई है क्या चेस किया जाएगा ये जो काफी कमाल का एरिया होने वाला है जिसको कहा का का जाता है हम सभी को मजा आता है देखेंगे सर्कल क्या वही केंद्रित होगा या फिर बाकी सारी टीम के रोटेशन कैसे होने वाले फिलहाल आपके साथ एक चीज जरूर शेयर करूंगा माँ का जो आईलैंड होने वाला है

फोर उनका फायर पावर बिल्कुल उसका खामियाजा असासनामी को जरूर भुगतना पड़ेगा देखते हैं ब्राजील के ऊपर अपना नाम का झंडा कौन सी टीम लहराती है जिस प्रकार से हम जानते हैं कर ब्राजील के ऊपर ही होने वाला है तो असासनामी सिनामी आन

ज्यादा हमको देखने नहीं मिलते तो गाय सब लोग वुड पे अगर चलाएगा बहुत अच्छे शॉट भी कनेक्ट कर पाओगे और साथ साथ बॉडी डैमेज के साथ साथ रश भी यहाँ पर इजिली कर पाओगे एक और क्वेश्चन पर निकल कर आया कि आयुष ज्योति यहाँ पर पूछे सर मेले वेपन लेके चलने से स्पीड कम हो जाता है क्या जी नहीं चीन पर गाइस ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता बट सेफली वेपन जो मेले वेपन होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं लाइक अगर मेरे पास पैन है और अगर मैं किसी टीम से बचकर भाग रहा हूँ तो चांसेस ये रहेंगे 50 50 की यार कुछ उनकी गोलियां मेरे डायरेक्टली पैन पर लगेंगी जिससे मैं बचकर निकल जाऊंगा उस एरिया से तो गाइस आप हमेशा अगर एक सर्कल से दूसरी सर्कल में जाते तो पिस्टल को हाथ में लेना है, पैन को पीछे लगाना पीठ की तरफ और तब आपको भागना जिससे आपको फायदा मिल पाएगे तो गाइस आपको ऐसी चीजें बिल्कुल अपने माइंड के अंदर रखने हैं कोई भी रिस्क नहीं लेना क्योंकि अक्सर देखा होगा जब लोग जब भी आप लोग भागते तो पीछे बहुत सारा डैमेज पड़ता है जिसका नुकसान आपको यही रहता है कि आप लोग डाउन हो जाते तो शिकार होते यहां पर खुल जाएगा यहां पर निकाल लिया क्या कहना चाहिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करना को ऑल पर जरूर सेट करना है बिल्कुल जो आपका सपोर्ट है वो यहां पर बनाए रखना है शेयर करना है जहां से अपने दोस्तों को बुलाकर लाना आपके जितने भी कमेंट्स देंगे गाइस सारे कमेंट्स मैं यहाँ पर रीड आउट करने वाला अगर गाइस आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछना तो बिल्कुल अपने क्वेश्चन का गाइस पिछले गेम में बहुत ही शानदार यहाँ पर की मचाया गया जो भूया था वो यहां पर डेढ़ सोल यहां पर होने वाले कैप्टन टीम के बट स्वास्थ्य नहीं अच्छा खासा कवर यहां पर लेकर रखा जाएगा गेमिंग सुविधा से ट्रिशन को नौकरे क्या अपने खाते में किल निकाल पाएंगे ट्राई करना चाहेंगे चाहिए सीख साथ, साथ बॉस को तोड़ना होगा एंड ये किल किसके खाते में निकल कर आ पाएगा वो भी देखना पड़ेगा फाइनली गाइस जे आर यहाँ पर रहने वाले हैं देखा है तो ये चारों पर की जोड़ी बिल्कुल धमाल यहां पर मचाएगी बट दूसरी तरफ असैसिन आदमी भी रहने वाले वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाल दी गई टीम घर के अंदर ना पहुंच पाए बट आई थिंक मेरा मानना ये कि गेमिंग सुविधा इतना ज्यादा डैमेज हो चुकी ज्यादा प्लेयर्स नहीं है तो उनका इस एरिया से आगे बढ़ना थोड़ा इम्पोसिबल होगा जी बिल्कुल बट जिस प्रकार से यहाँ पे इतनी ज्यादा क्राउड में सासन आमे खेल रही है काबिले तारीफ परफॉर्मेंस होने वाले देखते गायस आपके

सेवन हाउसेस से बाहर निकलेगी उनके सामने एक ही टीम नजर आएगी प्रभावशाली टीम यहाँ पे बहुत ज़्यादा करती है पहाड़ी को, को बहुत ज्यादा लो करके रखा था वो खुद को हिलप करेंगे तैयार हो जाएंगे टीएजी जैसी प्रभावशाली टीम को बैक टू लॉ भी भेजने के लिए बट संजीव टीम इलेट के पास आठ किल्स आ चुके हैं चुके हैं वो यहाँ पे मचाती जा रही है आगे बढ़ती जा रही है

प्लेयर का इस पर्टिकुलर मैच का गेम प्ले काबिले तारीख था बिकॉज थोड़ी देर पहले हमने देखा था बहुत दूर से सर्वाइव करते करते कमाल का रोटेशन लेके रखे

बिल्कुल फिलहाल यहाँ पे खिलर धारा हो जाएंगे oh, पहाड़ी आड़ी पे तीनों प्लेयर्स पे टीम इनकी कमाल संभालेंगे ग्यारह कर कर बैठा है एंड जो पीछे से यहाँ पे प्लेयर आ रहे थे उनको यहाँ पे रास्ता ब्लॉक करने के लिए ग्लू वॉल भी लगाई गई बारह किल तेरह किल चौदह किल हो जाएंगे नमूने को यहाँ पे बैक टू लॉबी भेजा जाएगा बात करेंगे अब यहाँ पर गेमिंग सुविधा के एक प्लेयर के बारे में तो उनके ऊपर एक कमाल का रश यहाँ पे करने की कोशिश बट थर्ड पार्टी करने का मौका कोई भी यहाँ पे टीम नहीं छोड़ती हमेशा खिले यहाँ पे बात करेंगे के ऊपर एक थर्ड पार्टी की जाएगी इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा एक और टीम को बैक टू लॉबी

सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा कमाल की कोशिश पे स्वास्थ्य की तरफ कहना चाहूंगा ये दो टीम संजीव करी बिकॉज पिछली बार भी टॉप टू फोरटी मिनट इस बार भी टॉप टू यहाँ पे फोरटी मिनट बट पिछली बार का जो मौका था यहाँ पे वो टीम ने इस बार छीन लिया पहला दूसरा टीम इलेट बिल्कुल चौदह पंद्रह केस से आप लेकर गए तो गाइस एक ही बात बोलना चाहूंगा फिलहाल फाइट थी लास्ट में बहुत ज्यादा देर तक चली कहने की पैन फाइट चला जाता है हर एक मेले मैल, वेपन का यूज यहाँ पर प्रॉपरली किया जाता है देखा है तो गाइस आप लोग ऐसा मत सोचना कि यार गेम के अंदर नोकझोक रहती है वो रहती है बट यार गेम के बाहर हर एक टीम दोस्त रहती है बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है बट देखना पड़ेगा फिलहाल एंड फोर एंड टीम लीड दोनों ही यहां पर हमको मचाते हुए नजर आ रहे हैं हमने सोचा नहीं आई थिंक लास्ट प्लेयर जो था वो फोर अननोन से यहाँ पर बचे रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा गेम प्ले हमें हर एक टीम हर एक टीम की तरफ से देखने के लिए मिल जाएगा बट जो कंसिस्टेंसी है वो अभी तक दोनों मैचेस में बरकरार रखी गई है फोर अननोन एंड टीम लीड की तरफ से बट टीम लीड

है। अगर इन सारी वेपन की प्रैक्टिस अगर नहीं हुई तो सारे यहां पे कहना की भिल्कुल, भिल्कुल। कुछ काम के नहीं। जी हाँ पर बोलना चाहूंगा नहीं बोलूंगा सिर्फ एमटे चलानी आती है तो सिर्फ एमटे ही चलाऊंगा जब तक मुझे एमटे नहीं मिलेगी तब तक मैं अच्छी फाइट नहीं ले पाऊंगा जितने भी वेपन यार कोई भी किसी भी पर आपको ऐसा भी होता है शॉर्ट रेंज में आपके पास सिर्फ लॉन्ग रेंज वेपन होती है तो आपको भी फाइट लेनी पड़ती है जल्दी से जल्दी करना पड़ जाता है बट गाइस इस बार बात करेंगे फिलहाल कमांड के ऊपर नमूने जाना चाहेंगे के साथ साथ काउंसिल होने वाला हो टीम टीम के के फेवर में रिफाइनरी ऊपर फोर देखा है तो बहुत ज्यादा पर दिखाना चाहिए फिलहाल तो बारह की बारह टीम लैंड कर चुके हैं अच्छी से अच्छी लूट यहाँ पर हर एक टीम को करनी पड़ेगी फिलहाल कितना आगे तक बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे वो भी हमको यहां पर देखने मिल जाएगा बट गाइस आपको क्या करना है स्ट्रीम को ज्यादा से लाइक करना है शेयर करना है अपने दोस्तों को यहां पर ब्लॉक ब्लॉग कराना उनको बताना है यार बहुत कुछ एंटरटेनमेंट हमको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो टीम्स है कुछ अलग ही लेवल का गेम प्ले दिखाएंगे एंड गन से भी खेलेंगे मेले वेपन से भी यहाँ पर प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जाएगा तो गाइस बहुत कुछ यहां पर हमको सीखने के लिए मिलने वाले एंड गाइस ये इतना आसान नहीं रहता गाइस आप लोग जान लीजिएगा ये जितनी भी टीम्स इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है तभी वो पेन का यूज करते हैं कि यार उन्हें पता है कि वो उनको फिनिश ऑफ कर पाएंगे डाउन कर पाएंगे तभी वो जो रिस्क है वो यहाँ पर टीम्स देती है देखा जाए तो बिल्कुल डर के आगे जीते ट्रीम इलिट ने भी बिल्कुल सही डिसीजन यहाँ पर लिया और देखते देखते यहाँ पर प्लेयर्स को फिनिश ऑफ किया गया बट यहाँ पर बात करूंगा यूजी जी आ गए जावा बॉय यहाँ प्रिंस गुरु यहाँ पर क्या कोई नॉक जी फाइट यहाँ पर गेमिंग सुब्रता के साथ चलने वाले हैं कितनी देर तक चलेगी फिलहाल तो वेपन अच्छे खास ढूंढने पड़ेंगे गुरु के पास आई थिंक मैक्स सेवन एंड यहाँ पर डबल बैरल प्रिंस के पास नजर आ जाएगी ये नाइन फोर रहेगी तो अच्छे से अच्छे वेपन यहाँ पर उठा लिया बट पहला नॉक कौन निकालेगा किसको यहाँ पर एलिमिनेशन देखना पड़ेगा वो भी हम लोग इंतजार करेंगे बट हैरानी की बात ये होने वाली कि अभी तक कोई भी नॉक नहीं निकाला गया है जी बिल्कुल अभी तक कोई भी नॉक नहीं निकाला गया बट अब तक के दोनों मैचेस में ये दो टीम का आमना सामना अभी तक नहीं देखा मजेदार फाइट हो सकती है बिकॉज आज के इस टूर्नामेंट में पहली बार दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं इस बार गेमिंग सुब्रता या फिर यूजी कौन टीम किसको करेगी कन्फाइनमेंट के एरिया में बट पहला नॉक यहाँ पे जरूर निकाला जाएगा यानी ग्रेनेड यहाँ पे चला जाएगा डैमेज तीनों प्लस को यहाँ पे मिल जाएगा तीनों प्लस के ऊपर एक कमाल का स्प्रे अगर लगाते हैं तो ये जो ग्रेनेड था वो काफी ज्यादा शानदार नजर आएगा इसी के साथ साथ ट्रेड फायर में यहाँ पे छा हुआ बॉय को भी धारा से करने की कोशिश गुरु भी यहां पे डैमेज हो जाएंगे बट प्रिंस को बचाने का मौका जरूर मिल जाएगा कमेंट्स करके बताओ गाइस कि आपको क्या लगता है इस के ऊपर कौन करेगी बिकॉज दोनों टीम की तरफ से पे कहना कि सेम बैलेंस पर नजर आ रही बट यूजी की टीम यहां पे कहना कि आप पासे पलटा रहे बिकॉज चाहो बॉय रिवाइव हो चुके हैं नॉन बस यहां पर होने वाले प्रिंस भी यहां हो चुके हैं एंड एक प्लेयर गेमिंग सुविधा का यहाँ पे नॉके यानी कि सिर्फ दो प्लेयर यहाँ पे बचे हुए रहेंगे एंड उनके पास सिलिंग रिसोर्सेस कमी साफ साफ नजर आ रही है एक प्लेयर किटू जो है वो खुद को हेलप करेंगे बट एक रश यहाँ पे एम एडी सेवन के साथ कमाल का देखने को मिलेगा अगर ऊपर जाते हेडशॉट का आया तो कहीं ना कहीं नॉक भी हो जाएंगे बट बात करेंगे अब मैन एडवांटेज के बारे में तो गायसा आपको बता दो यूजी के पास

And बात करेंगे अब के बारे में तो दोनों मैप में यहाँ पे बहुत सारी टीम एक दूसरे के आमने सामने आए बट यार कहीं ना कहीं तीसरे मैच में ये पास पलट रहे सीन्स यहाँ पे चेंज हो रहे बिकॉज बात करेंगे हम गेमिंग से प्रधान यूजी के बारे में तो वो दोनों टीम्स इतना ज्यादा सीन क्रिएट नहीं कर पाए पहले मैच में एक दूसरे पहले दोनों मैच में एक्चुअली एक दूसरे के आमने सामने देखते है इस बार यहाँ पे टीम लेट मचा पाएगी यहाँ पर बट संजीव आपको क्या लगता है बिकॉज हर बार हर एक मैप में फोर टीन मिले टॉप करिए दोनों की जुगलबंदी एक तरफ चल रही है बट बाकी थर्ड पोजिशन यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है कोई भी छीन सकता है बिल्कुल अब कोई भी छीन सकता है देखा जाए तो गाइस हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स अब निकल कर आने वाले तो गाइस आपको बिल्कुल स्ट्रीम को, को शेयर करते रहना अपने दोस्तों को यहां पर बुलाकर लेकर आ रहे हैं यहाँ पर वो निकल कर एलीट एंड फोर इनोर सेकंड एंड थर्ड नेम ऑफ डेस्टन यानी कि तबाही के दूसरे नाम यहां पर होने वाले हैं इलीट एंड फोर रन ऑन तो जिया गैस बिल्कुल अपनी फेवरेट टीम्स के लिए हैशटैग यहाँ पर लगा दीजिएगा मैं सारे कमेंट्स रीड आउट करने वाले तो गैस बिल्कुल अपनी टीम्स के लिए फुल ऑन सपोर्ट जो है वो बनाए रखेगा बट यहाँ पर जो एक, एक जो, ने 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 तो जो एक कमेंट है एक और निकल कर आया जो लास्ट मैच में हमने देखा फिलहाल टीम ने फोर को फिनिश ऑफ किया को लेकर जो कमेंट है कि लाइक यार मैं क्या करूँ गन छोड़ दूसरे यहाँ पर देखा है तो बहुत ही फनी में, जो फाइट को एंड किया गया था बट इसी के साथ साथ टीम इलीट यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए फाइट के अंदर इसी के साथ आगे बढ़ते हुए कोशिश यहां पर बिल्कुल जारी रहेगी क्या लगता है निकल पाएंगे आगे बढ़ेंगे खत्म हो जाएंगे साथ साथ बहुत ज्यादा ट्रबल में डालते हैं फिलहाल टीम लीड क्या बची हुए उसको फिनिश ऑफ कर पाएंगे दूसरे नमूने यहां पर बचाएगी के बाद प्लेयर डाउन किया जाएगा यहाँ पर कीट के दो प्लेयर्स आई थिंक नॉक हो जाएंगे देखा जाए तो एक नीड एंड दो प्लेयर्स डाउन किए गए थे बट इसका

ढूंढना चाहेंगे आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग गेम प्लेन की तरफ से हमको देखने मिलता बहुत सारे क्लचेस यहाँ पर बट मेरे को लगता है पीवीएस गेमिंग इस बार बिल्कुल यहाँ पर चकमा दे दीगे ये प्लेयर देखा जाए तो उसी जगह पर है बट टीम को लगेगा कि यहाँ से भाग चुके सर्वाइव करने के लिए बट एमडीएस गेमिंग यहाँ पर एंट्री लेने वाले तो नमूने के यहाँ पर थोड़ा सा एक शानदार पड़ेगी तो क्या यहाँ पर एमडीएस और नमूने कौन यहाँ पर जाएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ साथ अगर आपने अभी तक फैन फास्ट टूर्नामेंट को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेना टूर्नामेंट का लिंक चैट में पिन करके रखा क्योंकि फिफ्टी थाउजेंड का प्राइस पुल होने है आप लोग अपने टीममेट के साथ खेल सकते हैं बहुत ज्यादा मजा आएगा जब आप लोग बड़ी बड़ी टीम्स को डोमिनेट करोगे अपना नाम यहाँ पर बना पाओगे तो जल्दी जल्दी जाना और जल्दी से टूर्नामेंट को ज्वाइन कर लेना है जी बिल्कुल फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ा जाएगा देखते हैं पे एमडीएस की टीम कितना ज्यादा डोमिनेट कर पाएगी बिकॉज पहले दो मैचेस में इतने अच्छे खासे पॉइंट्स ये टीम पर्टिकुलर उठा तो नहीं पाई इस बार नमूने सामने है जिस प्रकार से नमूने का नजर आ रहा है आई थिंक पे एमडीएस को डोमिनेट जरूर कर पाएंगे बट देखते हैं फायर पावर किसका ज्यादा सबसे होता है फिलहाल नमूने के चारों प्लेयर से लाए हुए दूसरी तरफ एमडीएस के भी चारों प्लेयर से लाए हुए बट बकाडी के बारे में बात की जाए तो हिलिंग रिसोर्सेस बहुत कम नजर आ रहे हैं हेल्थ भी उनकी थोड़ी सी लो होने वाली है देखता है कितना अच्छे फ्रैक्स निकाल पाएंगे बिकॉज अगर एक कमाल का हेड पिक पीक करते तो नमूने के प्लेयर धाराशी होते हुए

और कहना चाहूंगा गाइस सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा इस ट्रीम को शेयर करो बिकॉज आपकी फेवरेट टीम का सपोर्ट बढ़ाने का काम आप ही का होगा आपकी टीम का सपोर्ट भी बढ़ेगा ना, आपके फ्रेंड्स को यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीजें सीखने का मौका भी मिल जाएगा फिलहाल गाइस शेयर कीजिएगा इस श्रीम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रुकाना चाहिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला नॉक किस टीम का निकाला गया किट्टू यहाँ पे बिल्कुल आई थिंक थिंको यहाँ पे बहुत ज्यादा लो हो जाएंगे बात करेंगे अब यहाँ पे के बारे में उनको भी बहुत ज्यादा लो करके आगे बढ़ा जाएगा देखते हैं ये फाइट बहुत ज्यादा लेट कर रही है एंड ग्रेनेड्स अगर रहते हैं संजीव तो इस फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए नमूने

मैप के बाद ही देखने को मिलेगा बट गाइज आपका यहाँ पे सपोर्ट जरूर देखने को मिलना चाहिए कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा आपका होने वाला है पे एक सवाल पूछा जा रहा है संकल्प यादव की तरफ से कि सर गन इज बेटर सेवन या फिर MP40 वो भी लेवल 4 की वेस्ट के लिए बट आपको बता दू आपको गन का मैकेनिज्म समझना होगा सबसे पहले बात करूंगा मैं लेवल फोर की अगर वेस्ट की बात हो चाहे वो वन का हो चाहे टू का हो थ्री का हो फोर का हो वेस्ट की बात हो तो पेनेट्रिशियन होता है एस में सबसे ज्यादा एस एम इतना ज्यादा काम नहीं कर पाती तो गाइज बिल्कुल एक आसान सा जवाब है इस बात का कि यार, आपको किसी भी वेस्ट को पेनेट्रेट करने के लिए सबसे ज्यादा मदद करेंगे और अगर करने करना है, तो एसएमजी का स्प्रे सबसे ज्यादा काम देखते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हाथों में सामने प्रेस नजर जरूर है बहुत ज्यादा लो करके बट इनका जो स्प्रेड है वो आसिम को यहां पे थोड़ा सा समझना होगा बिकॉज लेफ्ट साइड के जो प्रोमित यहां पे फ्लैंक करके बैठे कभी भी आसिम एंड मार्टिन दोनों को यहां पे डैमेज देकर नॉक कर सकते हैं अरिन की बात किया तो वो बहुत ज्यादा लोग इनके पास एम टू फोर नाइन जरूर नजर आ रही बट गाइज यही होता है जब आप थोड़ा सा लेट कर देते हो एंड लुक एट द क्राउड इन दिस एरिया लेफ्ट साइड यहां पर साइ ऋषि गेमिंग भी इस पार्टी को ज्वाइन करेगी जी जेड आमी भी यही होने वाले, ऐसे भी यही वाले तो आपको टीमें से टीम सबसे सेफ नजर आ रही है? नजारा तो ससे के पास सबसे ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है इस बार ऋषि को डॉमिनेट कर पाएगी बट ऋषि के ट्यूकर यहाँ पर धाराशाही जरूर हो जाएंगे इसी के साथ साथ यहाँ पे राइडर को भी धाराशाही करके रखा ड्यूकर को बचाना तो असंभव रहा बट राइडर भी यहाँ पे धाराशाही हो को ज्वाइन करना ऋषि गेमिंग को इतना ज्यादा नुकसान कारक हुआ

बिल्कुल राइट साइड से अगर रोटेट करे तो पीवीएस गेमिंग है लेफ्ट साइड से अगर रोटेट करे या फिर सीधा जाए तो अस नामे दोनों के बीच में फंस चुके हमारी फोर बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा और फोर अपना रास्ता खुद यहाँ पर बना दिया बट इस बार कुनाल जी पर कुछ पीवीएस गेमिंग की तरफ तो से एक नॉक यहां पर निकल रिक रिवाइव देने की कोई भी उम्मीद नहीं जागने वाले ट्राई करेंगे पड़ने पर पर वाले पीछे तो क्या? इस बार फोर तो सर्कल तक पहुंच पाएंगे जी आनंद देखा जाएगा नमूने ज्यादा से ज्यादा डैमेज स्वास्थ्य क्या सर्कल तक पहुंच पाएंगे ट्राई करेंगे ऋषि गेमिंग को एसेड्यूअल के साथ

हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है जो सोलो और डुओं सबको बहुत ज्यादा नजर आने वाले फिलहाल टीम लीड के कहर से क्या बच पाएंगे क्या नहीं बच पाएंगे आदमी का एलिमिनेशन यहाँ पर दिया जाएगा साथ साथ सोल फिनिश एन एम वाई आदि के दो प्लेयर यहाँ पर बचे रहेंगे नमूने से लौते प्लेयर यहाँ पर बचे रहने वाले हमारे व्यूअर्स की तरफ से क्वेश्चन यहाँ पर कर आने वाला है लोकारंजन यहां पर पूछ रहे वाई देर यूजर्स देन बुका मतलब मोर देन देखा जाए तो ज्यादा ज्यादा यूजर्स जो है वो क्रोनो के क्यू होने वाले तो तो गाइस पर देखा है तो अच्छा खासा एडवांटेज है नेट से बचाएगा कौन क्रोनो यहाँ पर कवर के अंदर से डैमेज देने में मदद कौन करेगा क्रोनो तो गाइस जी इसीलिए क्रोनो बहुत ज्यादा प्लेयर्स यूज करते हैं बहुत ज्यादा फायदा भी आपको देखने मिल जाता के साथ साथ ऐसे ड्यूल के ऊपर एलिमिनेशन दिया जा जाएगा जा जा क्या लगता है और मिलिट क्या लेकर जा पाएंगे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपनी राय में दीजिएगा तो लाइक कीजिए एक साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर लीजिएगा जी बिल्कुल देखते हैं अपना सातवां खेल कंप्लीट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इस बार <laughs> टीम इनिट की गाइड यहाँ पे कहीं ना कहीं वही फायर पावर नजर आ रही जो हर एक मैच में नजर आती है पहला मैच आप सभी ने देखा चौदह से पंद्रह किल इनके पास नजर आए थे दूसरा मैच आपने देखा यहाँ पे कहना बुआ लगा था तीसरा मैच चारों लाइव होने वाले सेवन किल्स खाते में बात करेंगे इनके की तो चारोला पहाड़ी डबल डबल किल करके बैठे आरडीपी के यहाँ पे ट्रिपल किल हो जाएगा आठ किल्स खाते में हल्का सा लेट जरूर हो गई बैठाड़ खबर उनके पास जरूर मिलने वाले देखेंगे इस बार यहाँ पे टीम इनट कर रहे झेल पाएंगे ग्रेनेड यहाँ पे जरूर फेंका गया वो यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज जरूर करेगा एक

जो नाम है वो बिल्कुल एड करवा लेगा बट बड़ देखना पड़ेगा जो हमारे बट रिपीट, रिपीट होने से पहले बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी फैन पास टूर्नामेंट सीजन टू को ज्वाइन नहीं किया टूर्नामेंट का लिंक

पर आप अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट भी कर रहे हो कुछ अगर सीख जाओगे तो इन सारी चीजों का एग्जीक्यूशन आप आपके टूर्नामेंट में कर पाओगे देखते हैं आज आप यहाँ से कितना कुछ सीख कर जाते हो बट एक चीज जरूर सीखने को मिले संजय कि अगर आप सोलो सोलो रश करते हो अगर चारों प्लेयर सलाब है बट एक के बाद एक एक के बाद एक किसी टीम के ऊपर जाते हो तो उस टीम को बहुत ज्यादा आसान होता है आपको वन बाय वन नॉक निकालना एंड हाँ इसको मैं थोड़ा सा और रिलेट करना चाहूंगा कहीं अगर सोलो सर्वाइवर को बचा हुआ जो कि सर्वाइव कर रहा है एंड अगर कोई टीम के भले ही चारों प्लेयर बचे अगर वो एक एक करके उसके पास जाएंगे तो उसके अंदर पता नहीं मुझे नहीं पता कहां से इतनी पावर आती है एक एक करके जाओगे ना वो डाउन करता जाएगा करता जाएगा फिनिश ऑफ करता जाएगा एंड आई डोंट नो एक यार उसके ऊपर इतना प्रेशर रहता है जिसके कारण वो यहाँ पर नॉक निकाल लेता तो गाइस आपको हमेशा अकेले बिल्कुल भी नहीं जाना भले यार आपके पास चारों प्लेयर्स प्लेयर सा, सामने दो ही प्लेयर हो तो आपको यार ट्राई करो दो दो प्लेयर के दो दो के ग्रुप में बट जाओ एंड थोड़ा सा घेरो नेट थ्रो कर दो कुछ भी करके अपने प्लेयर को डाउन नहीं होने देना उनको किल बिल्कुल भी मत दो एंड अच्छे से यार इजिली दो किल्स अपने नाम करके जाओ तो गाइस बिल्कुल पर टीम से अच्छा खासा प्रदर्शन हमें देखने के लिए मिल जाएगा बट मैप सब रिपीट होंगे एंड हम लोग भी वापस से क्या वही चीज देखने के लिए मिल जाएगी या फिर कुछ चेंजेस हमको यहाँ पर नजर आने वाले जितने भी एरियाज रहेंगे लाइक शिपयार्ड की बात करूंगा फॉरन जाना पसंद करेगी टीएससी कहां पर जाएगी क्या वो बुलसे के ऊपर जाना पसंद करेगी एनसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो टीम लीड जाना पसंद करती है केपटाउन के ऊपर के बट बाकी की टीम कहां, कहां पर उतरेंगे कितनी अच्छी लूट यहाँ पर ले पाएंगे देखा है तो पिछली बार में बहुत सारी देखने फायट्स लेते ड्रॉप लोकेशन में चेंजेस भी नजर आए थे जी बिल्कुल तो गैस देखते हैं यार फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट सेकंड सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव नजर आएगा क्या गेमिंग शुरू था फिर से एक बार मार्स एक्ट पे जाएंगे क्या यहाँ पे पीवीएस गेमिंग एंड नसा दोनों एक साथ से नजर आए बिकॉज मेल के ऊपर उन्होंने काफी अच्छी शुरुआत की थी बट जिस प्रकार से संजीव आप कह रहे थे सोलो सर्वाइवर यहाँ पे अगर कोई बसता है तो वो इतना ज्यादा अच्छा क्यों प्लेयर बन जाता है क्योंकि एक यहाँ पे बिल्कुल चीज याद आई जब हम बचपन में एग्जाम देते थे बचे हुए पांच मिनट में हम बिल्कुल गॉड लेवल बन जाते थे। स्पीड बहुत एक मुझे याद जरूर जब स्वास्थ्य ने वहां पर लिया था वन वी फोर क्लेश भेजा गया था बिल्कुल अगर आपके सामने सोलो सर्वाइवर तो बिल्कुल उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा एक साथ उसके ऊपर जाएगा अगर एक तो नॉक वो निकालता भी है तो बाकी दो प्लेयर्स उनको बहुत ज्यादा लो हालत में पाएंगे यार आपको यहाँ पे बचना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा देखते हैं इन सारी चीजों का एग्जीक्यूशन हमारी टीम्स आने वाले मैप्स में किस प्रकार से करते है बट मजा आएगा इस बार यहाँ पे फोर रन एंड टीम इलेट की जुगलबंदी देखने का बिकॉज भी भीमा शक्ति के ऊपर फोर रन ने पहले मैच में टीम इलेट का भूया छीन लिया था जी बिल्कुल देखना पड़ेगा बट यहाँ पर हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स जो निकलकर आ जाएंगे सी के साथ साथ गाइस जो है वो यहाँ पर हमारा फोर्थ मैच भी स्टार्ट हो जाएगा कहने के बात की बात करना चाहूंगा तो गाइस टीम को आप लोग देख सकते हैं यहां पर यूजी अंपायर की जो फाट है वो बहुत जल्दी हमको यहाँ पर देखने मिल जाएगा क्या लगता है सबसे पहले एलिनेशन देना चाहिए बचा ही क्या है अनोनिमस से यहां पर कहने की नॉक निकालेंगे इसी के साथ जावा बॉय कहने की नॉक हो जाएगा रिकॉर्ड नॉक क्या पर अनोनिमस ने गातर बचा के एक के बाद एक हेडशॉट यहां पर देते दे हैं दे दे फिलहाल क्या आप लोग रिवाइव दे पाएंगे देखा जाए तो हेडशॉट में कोई भी कमी इस बार नहीं छोड़ जाएगा नर्मी को अब इनसे रिवेंज फायर इस बार ले लिया गया बट कहीं ना कहीं प्रिंस को फिनिश भी दिया तो गया तो गाइस गाइस या एंड यूजी यूजायर बिल्कुल एक कम कमबैक करने के लिए बिल्कुल यहां पर रेडी रहना चाहिए देखना पड़ेगा फिलहाल कितने आगे तक बढ़ पाएंगे कितने पॉइंट्स यहां पर इनके पास निकल कर पा पाएंगे बहुत अच्छी शुरुआत मैं बोलना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स यहां पर इनके पास चले जाने वाले बट तीन प्लेयर्स कितना अच्छे सर्वाइव कर हैं वो देखना पड़ेगा आई थिंक ये फाइट अगर सेकंड्स में खत्म हुई है तो लूट करने का टाइम बिल्कुल प्रॉपरली इनके पास बच पाएगा जी बिल्कुल लूट करने का टाइम भी यहां पे बच पाएगा आगे भी बढ़ेंगे देखते हैं आज क्या, क्या, क्या कुछ होने वाला है बिकॉज पिछले बार नमूने ने जिस प्रकार से शुरुआत करी

आज के टूर्नामेंट का मजा यहाँ पे दुगना होता जा रहा है गाइज मजा आ रहा है यहाँ पे आज का टूर्नामेंट कास्ट करने में फिलहाल आपको भी लाइक चैनल सब्सक्राइब करते रहना होगा अगर आपको भी मजा आ रहा है तो गाइज कलरफुल हार्ट स्पैम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट टीम के नाम भी यहाँ पे लगाते रहेगा गाइम बॉट को यहाँ पे दाराशाइ करके रखा है एक और प्लेयर को यहाँ पे लो करके रखा है पीवीएस गेमिंग बहुत ज्यादा लो है एंड बीएसएस एस रिपर बुलेट के शॉट जब कनेक्ट हो जाते हैं तो सभी को पता है हार्ड कवर के अंदर जाने के बाद भी प्लेयर्स यहाँ पे डैमेज खाते रहते हैं फिलहाल पीवीएस गेमिंग की तरफ से सिर्फ दो प्लेयर्स यहाँ पे अलाइव होने वाले एक किल यहाँ पे खाते में देखते हैं क्या कुछ होने वाला है फिलहाल पकड़ पाएंगे

ये भी चीज एक सीखने वाली है संजय बहुत बार हम होता है ऐसा कि, कि किसी टीम का अगर नॉक निकाला तो यार कहीं ना कहीं स्लोप के ऊपर हम स्ट्रेट भागते हैं हम सभी को पता है, है कि स्लोप के ऊपर स्ट्रेट भागने का खतरा यानी कि हेडशॉट आपको बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को हम बहुत ज्यादा सीख सकते हैं इन सारी टूर्नामेंट से बिल्कुल अब बहुत कुछ हमको सीखने लिए के लिए मिल जाएगा तो गाइस ऋषि गेमिंग आई है यहाँ पर नमूने का गेट कीपिंग करने के लिए फिलहाल देखना पड़ेगा क्या गेट कीपिंग कर पाएंगे बट यहाँ पर जो कमेंट्स है वो भी निकल कर आने वाले महिमा भारद्वाज यहां पर पूछ रहे ट्रीटमेंट गन वर्सेस ग्रैपलिंग गन विच इज बेस्ट इन कालाहारी तो गाइस कालाहारी मैप को लेकर जो क्वेश्चन निकल कर आया है उसके लिए यहाँ पर एक ही सोलूशन है गन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना यार गलती से भी मत छोड़ना है ट्रीटमेंट गन लेने के चक्कर में आप लोग ग्रैपलिंग हो गन को अगर भूल गए तो हाई ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाएंगे हाई ग्राउंड पर नहीं यानी कि सर्कल में जाने में भी कभी कभार वो मदद करती थी जल्दी से जल्दी जो डिस्टेंस है वो यहां पर कवर कर लिया जाता है इसी के साथ साथ मनोज की तरफ से जो आई थिंक एक कमेंट है वो यहाँ पर बोल रहे हैं आई लव योर एग्जाम्पल्स सो गाइस बिल्कुल यहाँ आप थैंक यू बोलना चाहूंगा इस हम लोग बिल्कुल आप ट्राई करते हैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ पाए एंड आपके लिए जितना ज़्यादा पॉसिबल कर पाते हैं हम लोग यार आपको एक सरल भाषा में समझा पाए कि यार टीम्स कैसे फाट देते आपको क्या करना है जिससे आप लोग भी इस ई स्पोर्ट की दुनिया में अपना नाम बना पाए एंड आपको बिल्कुल

कितना संभव रहेगा आदि क्यों नौकरी रखा जाएगा प्लेयर लोटो यहां पर क्या बच के निकल पाएंगे ट्राई उनको यहां पर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पीवीएस गेमिंग की एंट्री बहुत ही जल्दी यहां पर रहने लगी क्या लगता है कितने ऊपर तक जा पाएंगे दो खिल्स निकाली दो प्लेयर्स बचे रहेंगे पीवीएस के पास पीवीएस गेमिंग एंड योगी जी हाँ बात करना चाहूंगा ये प्लेयर्स बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे इसी के साथ साथ गैस निकलना पड़ेगा फिलहाल कितनी टीम आई थिंक एक ही टीम को एलिमिनेशन दिया गया बट थोड़ा सा इंतजार यहां पर करना पड़ेगा टी एस जी जोर्स तो हमको नजर आ जाएगा इनके पास होने वाला सेंटोसा का एरिया जो कि प्रॉपर लूट का एक बहुत बड़ा भंडार यहाँ पर होता है जहां पर बहुत सारी येलो टोकन आपको देखने को मिल जाएंगे आपको बिल्कुल अगर आपने तो स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो एक साथ लाइक करना चैनल को को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट है साथ साथ टोटल रैंकिंग निकल निकलकर आज का टीम लेट परसेंट टॉप पोजिशन पर रहेगी जी बिल्कुल बात करेंगे फोर रनर के बारे में तो सेकंड पोजीशन के ऊपर बैठकर यहाँ पे चेस कर करिएम इनट को विदी सिक्स पॉइंट देखते हैं इस सारे डिफरेंस को यहाँ पे कब तक क्रॉस कर पाएंगे हमारी फोर रनर एंड कब अपना जो पोजीशन है वो फिर से एक बार छीन पाएगी ऑन द थर्ड पोजीशन चीन यहां पे विद 38 पॉइंट्स होने वाले उनके बिल्कुल नीचे नमुने जो इस बार काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है के के साथ फोर्थ पोजीशन ऊपर गाइस आप सभी को बताए यहाँ पे यार फोर्थ पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम नजर आ रहा है कभी भी नमूने का जो पोजिशन है वो जीन सकते थे इस बार देखेंगे घुसकर oh मारने की कोशिश करे प्लेयर टॉर्चेस के ऊपर बनने का कोई भी मौका यहाँ पे नहीं मिलने वाला है चीज है धारा शेख करके का फोर्न और भी ज्यादा क्रिस्चियन में नजर आएगी बिकॉज अकेले प्लेयर लेफ्ट साइड यहां पे स्पॉट हो जाएंगे कैमेडेट सेवन का शॉट चला जाएगा चार किल्स खाते में फोर नोन चारों के चारों अनोन यहां पे बिल्कुल सर्वाइव करेंगे एंड रहने वाले हर एक प्लेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पे बहुत ज्यादा सटीक था कुनाल आनंद एंड टेड सोल्स

तगड़ी ये जो लूट होने वाली चाहे वो यहाँ पे ग्रैपलिंग हुक गन हो या फिर कोई कौन सा भी मैप ले लो गाइस आप कि यार जब भी हार्ट जोन आता है ना वहां पे बहुत अच्छे खासे एडवांटेज होते हैं आपके पास वो अटैचमेंट अच्छी खासी मिल जाती है स्नाइपर बहुत अच्छी खासी मिल जाती है उसके एमोस बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं बट गाइज एक चीज आपको भी याद रखनी होगी जब आप हार्टीएस जोन के ऊपर उतरते हो दो चीजें आपको वहां पर बहुत कम मिलेगी एक मैली वेपन तो अगर आप मैली वेपन्स के साथ खेलना पसंद करते हो या फिर आपको बहुत ज्यादा तो आप लूट कर फटाक से ऐसेगा कि आप हार्टीएस छोड़कर बाकी सारे एरिया कर पाए ताकि आपके पास अच्छे खासी रिसोर्सेस यहाँ पर देखने को मिले फिलहाल टीम इलेट की बात किया तो आगे बढ़ेंगे सामने वैंडिंग मशीन मिलने वाली है वहां पर लूट भी की जाएगी देखते हैं एक और संजीव हार्टीएस जोन में कॉइन्स भी नहीं मिलते तो कहीं कि आपको वैंडिंग मशीन से शॉपिंग भी नहीं कर सकते जी बिल्कुल आप शॉपिंग नहीं कर सकते बट अन वाई की तरफ से एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछ रहे हैं टूर्नामेंट में स्काइलर यूज कर सकते हैं तो गाइस बिल्कुल यूज कर सकते हो बट को ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा तो गाइस मोस्टली जो हमारे जो यहाँ पर प्लेयर्स होते हैं वो ज्यादा ज्यादा से नहीं यूज करते तो गाइस आप लोगों को बिल्कुल भी यूज नहीं करना एंड चाहे तो यार यूज कर सकते हो मैं ये नहीं कहूंगा कि यूज नहीं करना बट उसका फायदा आपको मोस्टली थर्ड सर्कल या फिर एंड ऑफ द सर्कल तक ही देखने में मिल जाएगा जहां पर आप लोग वॉल को तोड़ पाओगे एक साथ पांच वॉल एंड एक ही डायरेक्शन में जब आप लोग थ्रो करोगे उस एबिलिटी को तो बिल्कुल यहाँ पर Wall को तोड़कर फटाफट से डाउन कर पाओगे फिलहाल देखना पड़ेगा अच्छा खासा एडवांटेज आप लोग उठा पाओगे नहीं उठा पाओगे बट हमारी टीम्स बहुत ही शानदार वे में आगे बढ़े टीम मिलीट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ धीरे धीरे करके रोडिशन हम यहां पर हमको देखने मिल जाएगी फिलहाल गाइस क्या लगता है टीम मिलीट यहां पर आगे बढ़ेंगे साथ साथ हमको नजर आएगा जी गाइस क्या लगता है फिलहाल देखने के लिए मिलेगी टीम मिलीट एंट्री हो जाएगी फिलहाल पीपसी के, के साथ साथ सामने उनके बाकी की की टीम्स होने वाले ऐसे ड्यूल की बात करूंगा सेंटर को इस बार इक्विप करके रखा गया बट पीछे से एक और टीम आने वाले टी, एस जी, की बात करने चिया तो हर टीम सर्कल के सेंटर में पहुंचने के लिए बिल्कुल बेताब रहने वाले बट क्या लगते इस यू जी तीन प्लेट से नजर आ जाएगी धीरे धीरे करके रोटेशन से आप लेने पड़ेंगे कहीं ना कहीं हमको गेमिंग सुब्रता भी देखने में मिल जाएगी जो कि पोचिनो के ऊपर धीरे धीरे करके नजर आने वाली फिलहाल ट्राई करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर लेकर जा पाए बट क्या लगता है एमडीएस होने वाले हर एक टीम जाएगी ज्यादा से ज्यादा सरवाइव यहाँ पर कर पाए बट लास्ट में जो नमूने से बचे हुए हैं वो यहाँ पर शिपियाड के ऊपर सरवाइव करते हुए नजर आ जाएंगे उनको यहाँ पर नुकसान देखने मिल सकता है क्योंकि फोर एन पीवीएस गेमिंग हर एक टीम यहाँ पर हमको नजर आने वाली देगा क्या लगता है कितने टीम जो है आगे की तरफ बढ़ने वाले फिलहाल कितने पॉइंट यहाँ पर लेकर जा पाएंगे जी गाइस बात करना चाहूंगा इस तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे व्यूअर्स की तरफ से देखने में मिल जाएंगे हमें जतिन की तरफ से बोलने वाले विदाउट स्किन कौन सी बेस्ट रहेगी तो बोलना चाहूंगा आप लोग चला सकते हैं आप लोग जो, लो जो बुला है वो निकल जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रही है जी बिल्कुल देखते यहाँ पे भीमा शक्ति के ऊपर फोर रन पहुंच पाएगी यहाँ पे क्या रास्ते में उनको कोई और टीम नजर आएगी बट यू जी जरूर एक टीम को बैक टू लॉबी भेजेगी चार किल्स खाते ने भी टीम को बैक टू लॉबी भेजा इनके भी खाते में चार किल्स होने वाले बटकाइ ये दोनों टीम जब आमने सामने आएगी तो यार टकरार बहुत ज्यादा धमाकेदार नजर आने वाली है, MDS, इस बार जीरो किल के साथ बट चारों के चारों प्लेयर चारो लाइव पकाड़ी लेफ्ट साइड ढूंढने की कोशिश कर रहे यही यहां पे होने वाले विद I think यहाँ पे सामने आ चुके ऋषि गेमिंग के विध यहाँ पेट पे आपको क्या लगता है M60 रिपर बुलेट, कौन सी गन सबसे ज़्यादा के लिए काम आती है मैं तो एक ही चीज कहूंगा अगर वीएसएस बुलेट के अच्छे खासे बुलेट्स आपने कनेक्ट कर दिए तो चाहे प्लेयर्स यहाँ पे कितनी भी कोशिश करो खुद को बचाने की यहाँ पर बैक टू बैक उसको डैमेज पड़ता ही रहता है बट ये नजारा आई थिंक इस बमुड़ा मैप का काफी ज्यादा व्यू जो है वो यहाँ पे कवर कर लेगा एक तरफ टीएचजी होने वाली बात करेंगे टीम के बारे में पीक के ऊपर अपने कदम जमा चुके हैं इनके बिल्कुल नीचे जहां पर जिपलाइन नजर आती है वहां टीम एस एल नजर आएगी बात करेंगे हम यहाँ पे यूजी के रोटेशन के बारे में तो वो कुछ ऐसा रोटेशन ले रही है जब फोर के ऊपर यहाँ पे कहना कि चढ़ाई करने के लिए अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाए जा रहे हैं ऊपर से फोर फोरन के जो प्लेयर्स बुलेट पे अपने कदम पीछे रहे देखते हैं फिलहाल वन यहाँ पे अपने बुढ़ के साथ डैमेज देने की कोशिश जरूर करेंगे देखते हैं क्या डैमेज दे पाएंगे यहाँ पे यहाँ पे बट इनके जो बुलेट्स है वो रिजेस को यहाँ पे टकरा रहा है आगे थोड़ा सा बढ़ना होगा हल्का सा ऊपर जाके यहाँ पर बुलेट जरूर कनेक्ट करने होंगे देखते हैं क्या कुछ होने वाला है सासुकी के बारे में बात किया तो वो बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आई थिंक डबल 98 होने वाली तो गाइज ये कुछ नया नजारा देखने को मिल सकता है बिकॉज because... जब से स्नाइपर का यहां पे दौर आ चुका है आई थिंक स्नाइपर का दौर लाने में पहाड़ी का यहां पे कहना कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है बट तब से यहां कार कारनाइटेड को बहुत ज्यादा प्यार दिखाया जा रहा है बहुत सारे प्लेयर यहां हैं डबल कार कारनाइटेड अगर मिल गई वो भी यहां पे कहना कि अटैचमेंट के साथ तो वो बहुत ज्यादा डेडली बन जाती है देखते हैं इस बार ऋषि गेमिंग दो किल्स खाते हैं क्या सामने वाली टीम को बैक टू लॉबी भेज पाएंगे या यहाँ बट कहना कि दोनों टीम को ये चीज सोचनी होगी कि हम यहाँ पे सर्कल के बॉर्डर पर होने वाले एक दूसरे को खत्म करके सर्कल भी यहाँ एक्वायर करना है पकड़ना भी अगर लेट हो गए तो

फिफ्टी थाउजेंड का तो गाइज ढेर सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं साथ ही साथ ये सारी टीम आपके विरुद्ध खेलने वाली तो इनके विरुद्ध खेलकर आप अपना गेम प्ले भी यहां पे तरा सकते हैं फिलहाल यहाँ पे बहुत अच्छे खासे रोटेशन लिए जा रहे हैं संजीव क्या लगता है गेमिंग सुविधा यहाँ पे एम को डॉमिनेट कर, कर क्या ऋषि गेमिंग के साथ पंगा लेने के लिए हेल्दी रहेगी यहाँ पे बिकॉज तीन टीम्स और एक ही कोई ना कोई जिंदा रहेगा

मेंसुबरा क्या कुछ होने वाले हैं फिलहाल डबल स्नाइपर दो प्लेयर्स के पास हमको देखने के मिल जाएंगे डबल कार 98 पर पहाड़ी चलाना चाहेंगे इसी के साथ तो जो एक और प्लेयर उनके पास भी एक और का आई थिंक एक एम2 भी डबल एम2 भी रहने वाले हैं फिलहाल की फाइट है एम2 चलने वाले एक टीम के साथ एंड सी के साथ द कंपनी शॉप करेंगे जी हां

बिल्कुल चलाना चाहिए मैं बात करना चाहूंगा इस क्या लगता है सर्कल थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा जहां पर फोर एन पहले से अपनी जगह बनाकर बैठी है बहुत सारी नॉक्स सा आप निकाली जाए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो निकल रेंज तो में बिल्कुल चिपक कर फाइटर एम टेन फोर्टीन एक बहुत ही ज्यादा कमाल दिखाई बट मैक्वन अगर आपकी अच्छी है अगर आप ड्रैक कर लेते थोड़ी सी रेंज से भी आप लोग यहाँ पर डाउन कर पाएगा जी हाँ यहाँ पर अगर बात की जाए तो हर टीम

जो हीलिंग बैटल है कितना ज्यादा कामयाब रहेगा लगता है नहीं कि यहाँ पर सर्कल में पहुंच पाएगी ज्यादा मेडिकेट्स नहीं रहने वाले सिर्फ एक और मेडिकेट इनके पास यहाँ पर एम टी सोल यहाँ पर पहुंच चुके साथ क्या लगता है फटाफट से हमें जरूर बताइएगा जी बिल्कुल आपको वो नजारा याद रहेगा जब सबसे पहले बोलमुड़ा मैप हमने देखा था इसी एरिया में टीम मिलेट ने बहुत जगह से किल्स निकाले थे इस बार फिर से उसी एरिया में यहाँ पे सर्कल बन जाएगा एंड लाइट का इस्तेमाल अब यहाँ पे पहाड़ी जरूर करेंगे कार नाइन उनके पास होने वाले बात करेंगे इस बार यहाँ पे किलर के बारे में तो डबल स्नाइपर के साथ खेल रही है एंड सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पे स्नाइपर चला रहे हैं देखते हैं इस बार डबल स्नाइपिंग कैसे बचाएगी वी को चार्लेयर्स आई थिंक यहाँ पे स्नाइपर के साथ खेल रहे हैं बात करेंगे इकोनिक के बारे में वो यहाँ पे स्नाइपर नहीं वेपन के साथ जाना चाहेंगे स्वास्थ्य की बात की फोर इनके हाथ में होने वाली पांच किल्स में तीन प्लस चला स्वास्थ्य का आनंद सौ यहाँ पेडर बिल्कुल आगे जाने की कोशिश करेंगे बट बट्क नहीं यहाँ पे बिल्कुल करीब एक ब्लेर था डेढ़ सौ को यहाँ पे धारा शायद जरूर करके

देखते हैं यहाँ पे बचा पाएंगे यहाँ पे पीवीएस गेमिंग को बैक टू लॉबी का रास्ता जरूर दिखाया गया बट क्या इस हैशटैग लगाना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज कहना कि इतना ज्यादा स्ट्रेटजी में बदलाव लाने के बाद भी ये अगर टीम बुआ ले रही तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज संजीव हम जानते हैं कि यार समझो हमारी एक टीम है हमारे टीम में कोई एक और स्नाइपर प्लेयर है जो बहुत अच्छी स्नाइपिंग चलाता है एंड अचानक से हमने खेलना शुरुआत कर दिया सारे के सारे स्नाइपर के साथ तो हम इतनी अच्छी स्नाइपिंग नहीं चला पाएंगे बुआ तो दूर की बात अच्छे खासे खेल नहीं उठा पाएंगे बिकॉज कभी ना कभी इतना ज्यादा प्रभावशाली गेम प्ले स्नाइपिंग के साथ नहीं हो पाएगा बट यार आज टीम इंडियड ने एक नई चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी चाहिए कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे नए नए पैथर यहाँ पे ऑलमोस्ट तीन प्लेयर यहाँ पे स्नाइपर के साथ खेल रहे थे बजाय एक है फिर भी यहाँ पे कमाल का बुयान आई थिंक बमुडा बमुड़ा मैप को भी इन्होंने अपना कर लिया है

टू अगर ज्वाइन नहीं किया तो रुपीस का प्राइस होने वाला फ्रॉड से आना टूर्नामेंट का लिंक है वो चैट में पिन करके रेकॉर्ड साथ साथ कैरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया फटाउट से आना जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेना आपके अगेंस्ट में आपकी फेवरेट टीम्स आने वाली बहुत ज्यादा मजा आएगा जब आप लोग उनको डॉमिनेट करोगे अपने गेम प्ले का लेवल दर्शाओगे अपना नाम बनाने का मौका बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला तो कैसे देखना होगा आज जो हमारा स्पोर्ट क्वालिफायर ग्रुप बी चल रहा है उसके अंदर से कौन से वो चार नाम होंगे जो यहाँ से होकर की तरफ पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल बट जो फैंस होते हैं संजीव जो व्यूअर्स होता है आज का इस मैच का जो टीम इलेट का परफॉर्मेंस है वो देख के खुश तो बहुत हो गए होंगे बट जो स्पोर्ट प्लेयर है जो अभी आप, हमारी टूर्नामेंट देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि ये सारे प्लेयर्स कितने ज्यादा ऑलराउंडर है जी हा, हाँ बिल्कुल गाइज सिर्फ स्ना टीम इलेट यहाँ पे भूया ले रही है ले तो कितना फायर पावर उनके पास है न? सबसे अच्छी बात हर एक गन का यहाँ पे उनके पास प्रैक्टिस है हर एक गन के ऊपर उनका हैंड है तीनों प्लेयर्स यहाँ पे स्नाइपिंग करते हुए बिल्कुल मचाते रहे एक प्लेयर यहाँ पे एयर वेपन के साथ जरूर खेल रहा था बट गाइज आपको भी अगर इस टीम जैसे अपना नाम रोशन करना है, की इस में अपना करियर बनाना है तो आपको हर एक गन के ऊपर होगा ऐसा नहीं कि मुझे पेकर पसंद है कोई भी वेपन हो आपको यहाँ पे उसका प्रैक्टिस करना ही चाहिए तभी आप कहना कि यार बहुत बार ऐसे भी सीन क्रिएट हो जाते संजीव लैंड किया सिर्फ और सिर्फ जीएटीआई या फिर यूएसपीआई उससे भी कहना कि नॉक निकालने की नौबत आ सकती है गाइस आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी को ध्यान देना पड़ेगा यानी कि आपको हाँ. जो गेम का एक्शन होता है ना लाइक अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं किसी एरिया के ऊपर उतर रहा हूं लाइक मेरा जो मेन main... फोकस रहता है ना कि यार मुझे लूट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना हमारी जो नजरें होती नजरे कुछ ऐसे रहती है गेम में हमेशा याद रखना हमारा कैमरा थोड़ा हाँ। नीचे रहता है तो आपको उस कैमरे को ऐसे है रखना है सीधा रखना है अगर आप लोग गोलियां में चलाते हो तो आप लोग इजीली ट्रैक कर पाएगा शॉर्ट रेंज के अंदर है ना आप लोगों को हमेशा जब भी आप लोग लूट करते हो कोई भी एरिया होता है तो नीचे ना देख के फोर्टी फाइव डिग्री पे ना देख के थोड़ा सा ऊपर देखना ताकि आप लोगों को दूर दूर तक पता चल पाए कौन सी टीम कहां से एंट्री ले रही है फटाफट से आप लोग अपने टीम मेंबर्स को कॉल दे पाएगा छोटी मोटी बातें आपको हमेशा अपने माइंड के अंदर रखने जिससे आपका गेम प्ले धीरे धीरे सुधरता जाएगा आपको लाइक like एक बार अगर आदत डाली तो बाद में आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा तो जी हाँ इस बिल्कुल सेफ गेम प्ले आपको दिखलाना है बहुत सारी टीम्स को एलिमिनेट करना है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर लेकर जाने बट गाइस क्या लगता है अभी यहाँ पर परगेटरी मैप रहने वाला है ब्राजील हमें कौन कौन से टीम्स होते कौन कौन से एरियाज में कितनी ज्यादा फाइट्स हमको देखने मिल जाएंगे स्टार्टिंग फाइट्स में कौन कौन सी टीम्स अपना जलवा दिखाएंगे कौन से वो आज के चार नाम होने वाले जो यहाँ से क्वालिफाई होकर जाएंगे सेमीफाइनल तो गाइस इंतजार बिल्कुल यहाँ पर रहने वाला है बट हम लोग भी वेट करेंगे हमारा प्लेन पाथ कैसा रहने वाले जो कि डिसाइड करेगा कौन सी टीम कहाँ पर लैंड करेगी जी बिल्कुल पिछली बार ब्राजीलिया में हमने देखा था सर्कल बन चुका था बहुत सारी टीम वहां पे करने की कोशिश थी M79 भी वहां पे देखने को मिला बहुत प्लेस के पास एम सेवन नाइन था बट सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगा टीम इलेट के बारे में तो यार, उन्होंने एक टीम के ऊपर यहाँ पे रश किया एम सेवन नाइन था उसको यहाँ पे सबसे पहले नॉक निकाला अगर वो एम सेवन नाइन प्लेयर नॉक नहीं होता तो टीम इलेट वही यहाँ पे धारा हो जाती तो ये भी बहुत सारी चीजें सीखने वाली रहती है कि यार सामने टीम है तो उनके पास सबसे पहले कौन से वेपन है उनको यार थोड़ा सा चकमा दो बाहर आओ बॉडी दिखाओ फिर से अंदर चले जाओ दो तीन बुलेट्स आएगी आपको आवाज पता चल जाएगा कि गन कौन सी है या इसके एसबीडी है या फिर रेट ऑफ फायर वाली कौन सी गन होने वाली तो कैसे उससे हिसाब से आप समझ पाओगे की रश करना है या फिर इस टीम से यहाँ पे दूर रहना एम हुआ तो एन के धमाके आपको जरूर नजर आएगा हैंड कैन हो तो हैंड कैन पता चलेगा देखते हैं ये सारी चीजें आप आज यहां पे यार किस टीम के पास देखने को मिलेगी फिलहाल इजेक्शन पॉइंट यहां पे बिल्कुल चूज किया जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट ब्रेन पाथ का होने वाला हाई टियर जोन के ऊपर जो होने वाला है इस बार क्वेरी का एंड एंड पॉइंट होने वाला है टीम रेड के फेवरेट प्लेस के ऊपर जो होता है हमेशा स्किल लॉन्च देखता है स्किल लॉन्च से होकर फील्ड्स एंड देन ब्राज़ीलिया का ये रोटेशन इनके लिए कितना ज्यादा

हार्ट ये जोन यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा और ब्राजीलिया की फाइट सबसे पहले देखना चाहेंगे बिकॉज ब्लैक हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जी का एक चीज आपको बताना चाहूंगा ब्राजीलिया के ऊपर जब आप भी उतरते हो समझो बहुत बार यार ब्राजीलिया आजकल बहुत सारे प्लेयर्स का फैंस का व्यूअर्स का फेवरेट प्लेस बन चुका है हम हमेशा रैंक मैच खेलते हैं के ऊपर तो कोशिश कीजिएगा ब्लैक हाउस को यहाँ पे टारगेट बहुत टीम करती है बट अगर आप ब्लैक हाउस छोड़ के बाकी के चार पांच हाउस अगर लूटते हो तो वहां की लूट आपके पास सबसे ज्यादा रहेगी जो टीम ब्लैक हाउस में उतरी हुई है उनको आप बहुत जल्दी डॉमिनेट कर पाओगे क्योंकि आपके पास रिसोर्स बहुत ज्यादा है तो गाइज ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझने होगी देखते हैं थॉमसन के साथ डैमेज दे फिलहाल एक नॉक यानी इसी के साथ साथ नम नमोने का खाता यहाँ पे खुल जाएगा एक के लिए अपने खाते में यहाँ पे बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे आगे बढ़ेंगे खुद को हिलप करना होगा तैयार होना होगा आने वाले फाइट के लिए एमडीएस दूसरी तरफ यहाँ पे यूजी को बिल्कुल ढूंढने की कोशिश करेंगे देखते हैं जावा बॉय अपनी वेपन के साथ क्या डैमेज दे पाएंगे

यहां पर एमडीएस जो है वो पकड़ बनाना मजबूत करेगी बट पीछे से जो एक प्लेयर यहां पर निकल कर आ रहा है मुझे लगता है आई थिंक यूजी अंपायर पूरा का पूरा घेरने की सिचुएशन में नहीं पर रखने वाली क्या लगता है गैस? क्या पहला नौकिया पर निकाल पाएंगे स्ट्राइक करेंगे थोड़ा सा इंतजार और यहां पर करेंगे तीनों के तीनों प्लेट स्थिति के साथ साथ प्रिंस का प्रेशर क्या यहां पर बना पाएंगे फिलहाल तो यहां पर खबर लग चुकी है देखा जाए तो प्रिंस की तरफ से के लिए यहाँ पर जो जाल है वो ऑलरेडी बिछा जाएगा फिलहाल यहाँ पर एक डाउन यहाँ पर निकालेंगे जी हां देखा बहुत ही परफेक्टली टाइम है थोड़े से लकी रहे वॉल के ऊपर टकरा कर जो

हमको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा तो बिल्कुल श्रीम को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को ऑल पर जरूर सेट सैट जाएगा बिल्कुल अपना जो सपोर्ट है वो यहां पर बनाकर रखना और साथ साथ गाइस मैं आपके सारे कमेंट्स यहां पर रीड आउट करने वाला बिल्कुल अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस एक साथ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को ऑल पर जरूर से ऐड करें जी हाँ यहाँ पर अगर बात की जाए तो यार दिल से इलीड्स स्नाइपर किंग इलीड तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारा जो सपोर्ट है वो हमारे व्यूअर्स की तरफ से टीम लीड के लिए हमें देखने मिल जाएगा बट ऋषि गेमिंग की फाइट है एवर पीवीएस गेमिंग के साथ रहने वाले क्या लगता है क्या डॉमिनेट कर पाएंगे फिलहाल एक क्या निकाल के रखा जाएगा इसी के साथ साथ थोड़ा सा दूर रहने वाले क्या लगेगा जो बाकी ये तीनों प्लेयर्स रहने वाले वो रिवाइव देने की कोशिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना जो रास्ता इतनी जो दूरी रहेगी वो उनको नहीं जाने देगी फिलहाल ऋषि गेमिंग फुल ऑन मूड रहने वाली ज्यादा अटैकिंग यहाँ पर खेलना चाहेंगे ज्यादा पॉइंट यहाँ पर लेकर जाना चाहेंगे बिल्कुल राइडर यहाँ पे के साथ डैमेज देने की कोशिश करते हैं जो टेंपर वॉल्स यहाँ पे लगाई गई है टेम्पररी कवर्स के नाम पे उनको यहाँ पे फोड़ा जा रहा है जो किले यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे एक किल यहाँ पे ऋषि गेमिंग के खाते में जरूर आ जाएगा साथ ही साथ यहाँ पे ऋषि गेमिंग अपना खाता खोलेंगे बूस मिलेगा इनको एंड पीवीएस के बचे तीन प्लेयर के ऊपर एक कमाल का रश यहाँ पे देखने को मिलेगा बट बात करेंगे दो प्लेस के बारे में ऋषि गेमिंग के दो प्लेयर्स यहाँ पे काफी भारी भरकम यहाँ पे दूर से फ्लैंग कर बैठे अगर इनका फ्लैंक सक्सेसफुल होता है तो पीवीएस पीवीएस का यहां से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है यही बात रहती है जब आप शिकारी की तरफ

नामी की तरफ से 39 पॉइंट्स उनके पास नजर आ रहा है ऑन द थर्ड पोजीशन एनएमवाई उनको बैक टू बैक चेस कर रही है बट एनएमवाई को थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा बिकॉज़ टीएजी अगर एक बेहतरीन कमबैक करने की कोशिश की डबल डिजिट किल के साथ टीएजी के पास एक बुया अगर आ गया तो यहां पे नमूने का स्थान छीना जा सकता है तो अपना प्लेस सिक्योर करने के लिए नमूने को कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करना पड़ेगा संजीव जिसको करना पड़ेगा फिलहाल यहां पे डैमेज देने की बहुत सारी कोशिश है सास के ऊपर नॉकडाउन निकालना चाहेंगे ठीक है साथ एक और नॉक यहां पर बहुत ही शानदार हेडशॉट देखने के लिए मिल जाएगा फिलहाल

बिल्कुल देखना चाहूंगा ये फाइट बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली है इस पार्टी का इस पार्टी को थर्ड पार्टी क्या कोई टीम यहाँ पर कर पाएगी क्या थर्ड पार्टी दे पाएगी फिलहाल धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे के साथ स्किल में क्या लगता है यहाँ पर ये यह दिनों ही प्लेयर्स बचे रहेंगे ब्रश करने में कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए आई थिंक मुझे पता है कि जितना था ये जो टीम यहाँ पर सोच रही है रश नहीं कर पाएगी बहुत ज्यादा ओपन एरिया है ऊपर से टीएस भी रश नहीं करेगी क्योंकि उनके पास सिर्फ तीन ही प्लेयर्स यहाँ पर बचिए रहने वाले क्या लगता है क्या कुछ रश यहाँ पर होगा यहाँ पर अपने अपने रास्ते निकलकर हर एक टीम पहुंचकर चली जाएगी और साथ साथ गैस हम लोगों ने टोटल रैंकिंग में देखा टीम सिर्फ दस पॉइंट पीछे रहेगी सेंचुरी के तो क्या लगता है इस मैच के एंड तक क्या वो यहां पर लगा पाएगी नहीं लगा पाएगी वो भी देखने लिए मिल बट की बात करता हूं तो शायद से नमूने के साथ उनका मुकाबला होने वाला के साथ साथ दो प्लेयर सा रहेंगे। जी देखना पड़ेगा टाइगर यहां पर आगे बढ़ेंगे कोशिश करने जाएंगे बट वॉश नीन सेफली क्या यहाँ पर रश होने वाले ट्राई करना चाहिए नमूने की तरफ से अगर नीड आते तो शायद से फायदा हमको यहां पर देखने जो भी सबसे पहले नॉक निकाले जाते नॉक यहाँ पर हो जाएगा टाइगर को नॉक करके गलती के साथ साथ रशिया पर करती है किरिटो यहाँ पर आगे बढ़ेगी क्या लगता है आउट ओह माय गॉड यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल ऑन टाइम ऑन पॉइंट यहां पर अपने प्लेयर को रिवाइव देने के लिए आज के एंट्री के साथ साथ बाकी प्लेयर्स को क्या धराशाई कर पाएंगे फिलहाल तो दो प्लेयर्स को नॉक डाउन करके रखा जाएगा बट यहां पर भाविक की जो वेस्ट हेलमेट है वो थोड़ी सी डैमेज हो जाएगी बट बाकी के प्लेयर बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए इसी के साथ साथ नॉक बिल्कुल मजा जाएगा और देखते देखते नमूने ऑन फायर यहां पर रहने वाले बिल्कुल बहुत ही तेजी में फिनिश ऑफ करेंगे चार किल्स यहाँ पर ऑलरेडी प्लेयर यहाँ पर बची रहे हैं। क्या लगता, क्या कुछ वाला, अगर आपको लगता है यहाँ पर कर जा बिल्कुल लगा और साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल यहाँ पर करती जी बिल्कुल यहाँ पे फोन के चारों प्लेयर इस पार्टी को ज्वाइन जरूर करेंगे काफी अनोखा नजर आ रहा है आनंद यहाँ पे बहुत ज्यादा लेफ्ट विध कार नाइन की रेड सोल उन्हीं के रोटेशन में यहाँ पे आगे बढ़े देखते हैं इस बार ऐसे टूएल्व को ऐसे सिचुएशन में क्या डोमिनेट कर पाएंगे बिकॉज गाइज ऐसे ट के पास यहाँ पे हाइट का एडवांटेज है हम सभी जानते हैं जो भी टीम यहाँ पे हाइट के ऊपर रहती है

क्या लगता है है संजीव ये नजारा टीम का एक बेहतरीन रश पे पे ऊपर हो रहा है। सबसे पहले तैयार बिल्कुल अलर्ट रहना इस रश के लिए रेड नंबर यहाँ पे जरूर नजर आएगा बट तुरंत दूसरे सेकंड यहाँ पे गाइज आपको लगाने हो पे टीम के बिल्कुल होते रहना चाहिए गाइज आप यहाँ पे इस मैच के पहले हम

एस आई थिंक सर्वाइवल के लिए निकल चुके यहां से दूसरा रास्ता जो वो लेना पड़ेगा फिलहाल जो फाइट उसको किया जाएगा। आर्मी कहां तक सर्वाइव कर पाएगी वो भी हमें खाते तो फोर निकाल कर लेकर जाए पाएगा टीएससी के लेना चाहिए क्या लगता है कितने और 0.7 निकाल निकालकर जहां पाएंगे फुल ऑन ट्राई यहां पर करना पड़ेगा एनसी के साथ-साथ जो प्लेयर्स है वो हमको यहां पर देखने को मिल जाएंगे क्या लगता है गाइस स्टीव राहुल स्मोक एंड शिबा अगर देखा जाए तो ये वही टीम है जिन्होंने टीम लीड से बूया छीना गया था एंड 4v4 की ये फाइट बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर जीती गई थी एनसी के साथ बात करना चाहूंगा एलीट आई थिंक यहां पर आइकॉनिक के पास एम टू फोर नाइन रहने वाले समन एड्रप मंगवाने पड़ेंगे अच्छे खासे वेपन पास निकल कर आ पाएंगे अगर एम सेवन नाइन आएगा तो बिल्कुल एक अच्छे खास लेकर जा पाएंगे इजली यार वो जो फाइट रहेगी वो चुटकियों में यहां पर खत्म कर दी जाएगी बट यू इस बार बहुत ज्यादा सेफली गेम प्ले दिखलाते हुए नजर आने वाले बट क्या ब्राजीलिया में एंट्री लेंगे नहीं लेंगे वो हर एक चीज

बड़ी बड़ी टीम्स होने वाले आपको मौका मिलेगा उनको डॉमिनेट करने का दगा इस मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ज्वाइन करना है अपने दोस्तों से भी ज्वाइन करवा लेना और साथ साथ कैरी मिराड़ी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फटाफट से आना है और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना इस फट मैं एक ही बात बोलूंगा बहुत सारे कंपाउंड है से ब्राजीलियामैन सेंटर में देखा जाए तो कोई भी टीम नहीं है देखा जाए तो इसका एडवांटेज बहुत सारी टीम से यहाँ पर उठा सकते हैं अगर टीम लीड पहुंच गई कंपाउंड पर तो वो किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे इसका फायदा क्या उनको मिल पाएगा यहाँ पर जी में रहने वाले यूजी एम्पायर होने वाले पीवीएस ट्राई करेगी बट नमूने कहां तक जा पाएगी उनको लेनी पड़ेगी टी के साथ एनसी के साथ साथी आर्मी को बहुत बड़ा एक लंबा ऑडिशन लेना होगा जी बिल्कुल पांच किल्स खाते में अभी तक तो जरूर ने मायने लेके रखे हैं चारों क्लिस लाए हुए ये बहुत अच्छी खबर होने वाली बट पीछे से यहाँ पे जीजर आर्मी की एंट्री जरूर हो जाएगी टीम इलिट को थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा देखते हैं यहां पे यूजी के साथ पंगा लेंगे टीम इलिट या फिर पीवीएस भी वहां पे होने वाली थर्ड पार्टी की पीछे से एंट्री इस पार्टी में जरूर हो जाएगी देखते हैं इस बार यहाँ पे इस पार्टी का रुख कौन सी टीम बदलती है कौन सी टीम इसका फेस बदलने में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करती है चलते हैं हैं पर फाइट की तरफ देखते टीम या फिर यूजीन दोनों की फाइट है या फिर दोनों तरफ एक कमाल का फायर पावर होने वाला है दोनों तरफ अच्छे खासे किल्स नजर आ रहे हैं आई थिंक फोर उनको बैक टू लॉबी भेजकर टीम इलेट के खाते में चार प्लस किल्स जरूर हो जाएंगे एंड यूजी के पास भी चार किल्स है एंड एक शॉट यहाँ पे आ जाएगा आरडीपी का ग्रोजा के साथ जामा बॉय को यहाँ पे धारा शेख किया आगे बढ़ेंगे किलर विद वीएसएस बुलेट एक रश करने की कोशिश देखेंगे इस बार यहाँ पे आरडीपी को oh, कवर फायर देने की कोशिश में यहाँ पे धारा चेक करके रखा आरडीपी पी यहाँ पे ट्रेड फायर में जरूर नॉक हो जाएंगे बट पहाड़ी यहाँ पे उनको रिवाइव करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे रिवाइव हो हो चुके हैं फिर से एक बार टीम मजबूत जाएगी बस अब यहाँ पे देखना है कि कौन यहाँ पे अलर्ट रहती है कौन सी टीम यहाँ पे बच पाती है बची हुई बाकी सारे टीम के साथ पंगा लेने के लिए बट बटकाई हम सभी को बताया पिछली बार यहाँ पे टीम मिनट से बुआया छीना गया था बहुत बार हमने देखा है बहुत सारे टूर्नामेंट में टीम मिनट से बूया छीना जाता है बट फिर भी जाते जाते अच्छे खासे पॉइंट्स उठा के लेके जाते

बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। इस बार मन देखते हैं मैक्सवन के साथ क्या धारा शेयर कर पाएंगे या फिर नहीं दो किल्स खाते में इस बार टी का खाता भी खुल जाएगा एक किल यहाँ पे खाते में आ जाएंगे बट गाइज आपको क्या लगता है ये बुआ कौन टीम लेके जाएगी जरूर पीछे यहाँ पे ध्यान दे रही थी

डाउन करके रखा गया यहाँ पर कर पाएंगे किलर की बात की जाए तो बहुत ही सही कवर यहां पर रूफ का लेना चाहेंगे हर एक टीम के ऊपर नजरे प्रॉपरली यहां पर बना कर रख पाएंगे फिलहाल क्या करो? डाउन यहाँ पर निकाल पाएंगे जी नहीं आई थिंक देखा जाए तो कहने की बहुत ज्यादा ट्रबल में प्लेयर्स को डाला जा रहा है फिलहाल यहां पर बची रह जाएगी दो प्लेयर्स के साथ क्या वो सर्वाइव यहां पर नहीं कर पाएगी उनको मुमकिन कोशिश यहाँ पर आदि ठाकुर यहाँ पर कितनी देर तक बचे रहेंगे टीम लीड कर रहा यहाँ पर एलिमिनेशन देखने का एडवांटेज सर्कल का फेवर उनके पास देने वाला धीरे धीरे चांस यहां पर

मैं उसका फैन पास सीजन टू का टूर्नामेंट अगर एंटर करते हो तो ढेर सारी प्रभावशाली टीम आपके विरुद्ध खेलेगी आपको मौका मिलेगा अपना अगर जीते मिनाटी खुद टूर्नामेंट याद रखिएगा मौका पाना होगा ढेर सारे प्राइजेस जीतने का बट क्या कहना चाहेंगे संजीव आज के टीम इंडियड के परफॉर्मेंस के बारे में एक तरफ स्नाइपिंग चली एक मैच यहाँ पे कहना की कोऑर्डिनेशन चला दूसरा मैच यहाँ पे कहना की कंसिस्टेंसी भी दिखाई जी बिल्कुल यहाँ पर एक ही बात बोलना चाहूंगा मैसे बुआस देखने मिलने वाले टीम हाँ। की से हर एक मैच में पर तबाही मचाते हैं दवाई का दूसरा नाम जैसे कि बोला था यार फोर एनो एन टी मिलीट यहाँ पर रहने वाले तो देखना पड़ेगा फिलहाल हमारे पास एक आखिरी मौका बचा है एक आखिरी मैच यहाँ पर बचा रहेगा कौन कौन सी टीम्स अपने लिए टॉप फोर में यहाँ पर जगह बना पाएगी बिल्कुल रेडी हो तो जाएगी अपनी फेवरेट टीम्स के लिए हैशटैग लगाने और साथ साथ यहाँ पर हमारा जो आखिरी मैच है कुछ ही पल में स्टार्ट हो जाएगा देखना होगा इस आखिरी मैच में बहुत सारी टीम्स कुछ ऐसी होंगी यार जो फाइट लेना पसंद करेंगी जो भी बॉटम में रहें, रहेंगी लाइक सिक्स सेवन एट या फिर फाइव सिक्स सेवन एट की बात करते हो तो ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा कि हम लोग टॉप फोर में आ पाए बट जो नीचे की टीम्स हैं नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ वो यहाँ पर फोकस करेंगे कि ऊपर वाली टीम्स को नीचे कैसे लाया जाए तो गाय उनके एरियाज के ऊपर उतरे ज्यादा फाइट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा अच्छे खास किल्स अगर निकालते हैं तो एक नुकसान जरूर यहाँ पर टीम्स को देकर जा पाएंगे बट देखना पड़ेगा कौन कौन से टीम्स के बीच में अग्रेशन यहाँ पर नजर आ पाएगा कितना ज्यादा अटैकिंग खेल पाएंगे और इनका जो पैसिव गेम प्ले रहता है वो इस बार एक्टिव गेम प्ले कितना ज्यादा प्रभावशाली रहेगा एंड हम लोग हर एक चीज यहाँ पर देखना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट है वो यहाँ पर देखने मिलने वाले गायस बिल्कुल

इजेक्शन काफी ज्यादा बैलेंस टीम इलेट काउंसिल हॉल के ऊपर जाने की कोशिश एमडीएस ऑन द कन्फाइनमेंट एरिया बात करेंगे यूजी के बारे में तो वो यहाँ पे ऋषि गेमिंग के साथ जरूर ग्राउंड शेयर करेगी यूजी भी यहाँ पे होने वाले तो संजय इस बार कन्फाइनमेंट के ऊपर एक साथ तीन टीम एन यूजी ने ये सारी चीजें देखकर ही अपना रास्ता बदल लिया कैथरीना को अपना इजेक्शन पॉइंट इस बार चूज जरूर किया जाएगा बट एक सरप्राइजिंग बात यही होने वाली संजीव की हार्ट एयर जोन द सब के ऊपर वहां पूरा का पूरा क्लियर एरिया है

बिल्कुल डोमिनेट करेगी रुकने वाली नहीं एंड तीन प्लेयर्स इनके पास भी रहेंगे आखिरी प्लेयर किल मी यहां पर रहने वाले नेट्स को यहां पर थ्रो किया जाएगा क्या फिनिश ऑफ कर पाएंगे बहुत ज्यादा लोकर नहीं नहीं कोचे के साथ साथ डबल वेक्टर का जादू कितना ज्यादा चल पाएगा एनसी के साथ साथ बहुत ज्यादा जाएगा क्या फिनिश ऑफ कर पाएंगे एक गोली अगर ऑपरेट कर जाती तो बिल्कुल यहां पर चार केस लेकर जाके बहुत तो तो ले तो ही अधिक उत्तम गेम प्लेयक देखने के बचे रहने वाले देखा जाए तो कमांड पोस्ट की यह लड़ाई जाएगी नमूने के अंडर में और साथ ही साथ बिल्कुल एक सरप्राइजिंग गेम प्लान जैसे कि हमने पर बहुत ज्यादा कोशिश करना चाहेंगे और इसी के साथ साथ ट्वेंटी रुपीज का सुपर चैट निकल रहा है आई एम ठाकुर की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट करें अपने फेवरेट टीम्स को बट यहां पर बात करना चाहूंगा ऋषि गेमिंग की जो फाइट है वो कहीं ना कहीं हमको देखने में मिल सकती है फिलहाल तो कोई भी टीम नहीं रहेगी उनके कंपाउंड के ऊपर जी बिल्कुल यहां पे काफी ज्यादा उत्तम परफॉर्मेंस यहाँ पे नजर आ रहा है ऋषि गेमिंग बट अभी तक यहां पे फाइट छेड़ी नहीं है बात करेंगे ऋषि थ्री एम के बारे में तो ये बहुत लोग हो चुके हैं इनके पास यहाँ पे आई थिंक वीएसएस एस रीपर बुलेट होने वाले और सुपर चैट यहाँ पर आ चुका है तो सुनील बेहरा यहाँ पे किलर भाई थोड़ा रहम तो करो ऐसे यहाँ पे हैश लगाए जा रहे तो गाइज बिल्कुल आज रहम नहीं होगा टीम इलेट का चल वहा हर एक मैप में नजर आएगा बस आपका सपोर्ट ऐसा ही यहां पे कायम रहेगा थैंक यू सो मच फॉर फॉर दी दी सपोर्ट एंड फॉर्दी सुपरचार्ट जिया गाइस आपका मोटिवेशन पे आपकी टीम के पास जरूर पहुंचता है नजर आएगा देखते हैं इस बार टीम इन मचा पाएगी नहीं बट गाइस जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था पर्गेट्री किंग के हैशटैग जरूर लगेगा आप यहाँ पे पर्गेट्री किंग के हैशैग लगा रहे हो बट गाइज अगर इस बार टीम इलिट ने धूम मचा दी तो जी जिया गाइज यहां पे जरूर यहाँ पे कहा जाएगा कि आज के टूर्नामेंट में टीम इलिट ने चार चांद लगा दिए देखते हैं इस बार यू जी मचा पाएगी या फिर जावा बॉय का यहाँ पे काफी सटीक निशाना एंड एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कमाली के साथ साथ यहाँ पे मौका मिल जाएगा ऋषि के प्लस को उनको रिवाइव देने का एन देखते तैयार हो पाएंगे या फिर यूजी का एक बेहतरीन रश यहाँ पे नजर आएगा अगर ग्रेनेड्स है तो चावो बॉयज इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे मल्टीपल नॉक्स नजर आएंगे देखते कंफाइनमेंट के ऊपर अपना नाम कौन सी टीम यहाँ पे सबसे अंत तक लाइव रख पाएगी यहाँ पे अपने नाम का झंडा लहरा पाएगी फिलहाल बॉय रोटेशन लेने की हल्का सा हम लेट तब तक प्लेयर हो चुके हैं हमें पोजिशन देखनी होगी तभी हम रश कर सकते हैं अगर बिना पोजिशन देखे रश किए तो ये बिल्कुल सिचुएशन नहीं समझ पाएंगे एक और चीज इनको ध्यान में रखनी होगी संजीव बिकॉज सबसे पहले इन्होंने देखा है एक टीम को अगर इनको पता नहीं है कि एक और टीम यहाँ पे मौजूद है गेम

करो दिल से बिल्कुल टीम मचाते हुए हमको नजर आने वाले बिल्कुल जो सपोर्ट है वो अपनी फेवरेट टीम्स के लिए दिखा दे रहेगा देखा जाए तो दो टीम्स को एलिमिनेशन यहाँ पर दे दिया टी एंड ऋषि गेमिंग यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी तो गाय इसमें आपके सारे कमेंट यहाँ पर

बहुत सी ज्यादा ट्रेन होगा कमाल का हेडशॉट यहाँ पे पिक करेंगे उज्ज्वल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लैग एक सक्सेसफुल एरिया यहाँ पे उन्होंने क्वार करके रिवाइव देने के लिए आइकॉनिक जरूर आएंगे सेवन हाथों में थी एंड देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड फायर में उज्ज्वल को

ऊपर को नॉक करके रखेंगे एनसी के साथ सा से टीम लीड से किल नंबर नॉक डाउन निकालना चाहेंगे एनसी के साथ देखना पड़ेगा फिलहाल क्या किल को कंफर्म करना चाहेंगे फिलहाल एनोनिमस यहां पर पूरा का पूरा सेट होकर बैठे रहेंगे आई थिंक जो दो, लोकेशन है वो रिवील होने वाला आइकॉनिक का एक नेड यहां पर क्या कमाल कर पाया क्या कोई नॉक हाँ। यहां पर निकाल के जा पाएगा जी हां यहां पर एनोनिमस को नॉक करेंगे एनसी के साथ फिनिश ऑफ करने की कोशिश एक और नॉक यहां पर पहाड़ी को भी डाउन करके रखा जाएगा क्या लगता है गाइस कौन यहां पर बच पाएगा क्या टीम लीड होने वाली क्या आइकॉनिक को

एम्पायर की तरफ से यहां पर एक जो कमेंट है वो निकल कर आया वासु की तरफ से बोल रहे तलवार से न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो टीम लीड के वार से तो जी आ गया बिल्कुल डरेंगे बट फिलहाल प्रिंस यहाँ पर क्या कुछ कर पाएंगे वन वी टू निकालना कितना ज्यादा आसान रहेगा इंतजार यही है कि अगर डैमेज देकर डाउन कर पाए हाई ग्राउंड का फायदा अगर उठा पाते तो सेफली डाउन भी कर पाएंगे अच्छा खासा डैमेज देकर अपने लिए जो आठवा किला आए थे देखा है तो यू जी सेवन के पर निकाले जा चुके हैं जी बिल्कुल ये ग्रेनेड अगर कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे धारा शायद जरूर नहीं हो पाएंगे बिकॉज वो था स्टन ग्रेनेड बट पहाड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अंधे जरूर हो जाएंगे बट फिर से एक बार यहाँ पे उनकी निकाय तैयार हो जाएगी जावा बॉय यहां पे फिनिश हो चुके हैं उन्हीं के साथ साथ को भी फिनिश करके रखा है बात करेंगे के बारे में उनको भी एलिमिनेट कर दिया अकेले प्रिंस यहाँ पे यूजी की कमान समा रहे आठवा खेल अपने खाते में छोड़ पाएंगे या फिर बट जिस प्रकार से वो रिस्क उठा रहे ये जो डैमेज स्ट्रिंग जो उनका और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा देखेंगे उनके पास कितने ज्यादा हिलिंग रिसोर्स होने वाले बट बात करेंगे इकोनिक के बारे में अभी भी एक ग्रेनेड उनके पास नजर आ रहा है ऊपर चढ़कर अगर पहाड़ी यहाँ पे थारशाही करता है तो प्रिंस का नॉक यहाँ पे निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा देखते हैं क्या कुछ होने वाला है प्रिंस यहाँ पे ओपन एरिया में एंड एक बुलेट अगर कनेक्ट हो जाती है यूजी को डोमिनेट जरूर करेंगे गाइस याद रखिएगा आज यहां पे अगर इस मैच से 12 पॉइंट अगर टीम इकट्ठा करके जाती है तो आज यहां पे एक नया रिकॉर्ड खड़ी कर देगी हंड्रेड एंड थर्टी का जो स्कोर है आज तक का रिकॉर्ड है फोर का वो आज जरूर क्रॉस कर देंगे जिसमें से पांच पॉइंट उन्होंने अभी तक इकट्ठा करके भी रखे जी स्किल्स उनके पांच हो चुके हैं दो प्लेय है। देखते हैं टीम मिनट की ये जोड़ी कितना ज्यादा प्रभावशाली गेम दिखाएगी पीवीएस बिल्कुल सेंटर में यहां पे होने वाले इनके राइट साइड यहां पे एमडीएस इनके लेफ्ट साइड यहाँ पे नमूने के तीन प्लेयर्स लाइव एंड देखते हैं अगर फोन उनके ऊपर चढ़ाई करता है तो एक मौका जरूर मिल जाएगा फोर के तीनों टीम को गेट कीप करने का बट इनके बिल्कुल लेफ्ट साइड सोल होने वाली देखते हैं

आई थिंक लोकेशन से उसको रिवील नहीं करना चाहेंगे ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा देर तक होल्ड करके बैठी रहे फिलहाल ये जो फाइट है वो नमूने की यहाँ पर चलने वाले किरटों को फिनिश ऑफ कर देंगे सामने पीवीएस उनकी जो फाइट है वो यहाँ पर चलती रहेगी बट सर्कल में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाले यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पर बहुत ही शानदार प्रकार से डाउन निकालेंगे बट कह पीवीएस के लिए जो ये सिचुएशन है वो थोड़ी सी ट्रपल वाले होने वाले फिलहाल जल्दी से जल्दी रिवाइव देना पड़ेगा एनसी के साथ एम बोर्ड के साथ एमडीएस माही को नॉक करके रखा जाएगा देखा जाए तो यार नॉक निकालने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही बट इनको लंबे से लंबा रोडी लेकर सर्कल में

क्वायर करके बैठे समय ड्रॉप मंगाए गए तो और भी मजबूती कौन सी टीम किसको लगाती कौन सी टीम यहाँ पे किस टीम का स्थान चीन के लेके जाती बिकॉज जैसा कि आपने सही सुना कि सिर्फ और सिर्फ चार टीम यहाँ पे सेमीफाइनल्स का टिकट कंफर्म करके आगे जाने हमें एंटरटेन करेगी सेमीफाइनल्स में जाके तो गाइज इन बारह टीम में से को यहाँ पे बैक टू लॉबी एंड साथ टूर्नामेंट से बाहर होना होगा देखते हैं क्या कुछ होने वाला है एमडीएस यहाँ पे आगे बढ़ते हुए बिल्कुल तीन किल्स खाते है चौथा किल ढूंढने की तलाश में बे फ्रंट को अपना किया जा रहा, रहा है बट ओपन एरिया में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा शॉर्ट्स नजर आ रहे है। हैं देखते संजय इस बार एक सीन तो क्लियर है कि बहुत सारी टीम ने लेट कर दिया सर्कल के अंदर जाने को बिल्कुल लेट कर दिया बट फिलहाल हमें देखना पड़ेगा एमडीएस क्या सर्कल में पहुंच पाएगी जी स्ट्राइक करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी सर्कल की तरफ पहुंचना पड़ेगा फिलहाल ये पर 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 रुकेगी नहीं यूएल मचाते फायदा बहुत सारे नॉक्स निकाल कर रखे जाएंगे बट कहने की मार्टिन पर जी जी आर्मी से नीला देखते देखते, देखते आर्मी एंड कहीं ना कहीं सैंडविच सिचुएशन में फंसा कर रखा जाएगा बट फोर अनुन कैसे सर्कल में पहुंचेगी उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान यहाँ पर रहने वाला है एंड एस आर्मी को भी डिसाइड करना पड़ेगा वो कैसे सर्कल में निकल कर जा पाएंगे बहुत सारी टीम्स को डिसाइड करना पड़ेगा इसी के साथ साथ नमूने को

एक साथ देना चाहेंगे। आई थिंक डिफॉल्ट टीम करेक्ट होगा तो और भी ज्यादा मजा आएगा एम डी को जितने ज्यादा वॉल्स लगानी पड़ेगी एक तरफ इन आर्मी एलिमिनेट हो जाएगी जी बिल्कुल देखते हैं इस बार यहाँ पे दस किस्त तो खाते दस पॉइंट तो यहाँ पे खाते में जरूर आ चुके हैं इस बार देखते हैं बारह पॉइंट अगर कवर कर लिए तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा जिया गाइज यहाँ पर देखते हैं क्या हंड्रेड एंड थर्टी का स्कोर क्रॉस कि आज एक रिकॉर्ड खड़ी करने वाली देखते आज का का ये ब्रेक इनको कितना कितना बढ़िया ये स्कोर खड़ा कर देती है आने वाले समय में बाकी सारी टीम को एक रिकॉर्ड खड़ा कर पाएगी ताकि कोई टीम यहाँ पे उसको तोड़ नहीं पाए देखते गाय आज ये जोड़ी क्या करने वाले बट पाए करके उनको बचाने का मौका पहाड़ी को मिलेगा यहाँ पे बट क्लस तो यहाँ पे जरूर करना पहाड़ी का यहां पे कहना है कि ये जो एक्रोबेटिक परफॉर्मेंस होने वाला है काफी oh ज्यादा कमाल का बट 7 किल के साथ यहाँ पे कहना कि फोर्थ पोजीशन के ऊपर टीम मिनट को बैक टू लॉबी भेजा गया। आई थिंक संजीव आज का बिल्कुल. दिन बहुत ज्यादा अविस्मरणीय होने वाला टीम मिनट के लिए बिकॉज़ गेम डॉट टीवी वीकली स्ट्रीम वॉच में एक रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक करके रखा 130 पॉइंट्स का जो फोर उन्होंने 7 मैचेस में एक्वायर करके रखा था जी बिल्कुल निकाल के रखा गया था बट फोर उन्होंने बहुत ही ज्यादा हो जाएगा एलिमिनेशन ऐसे ड्यूएल यहाँ पर मचाएंगे चिया गए सेवन किल्स एंड क्या लगता है कैसे कम बैक हमें इनकी तरफ से देखने के लिए मिल पाएगा या फिर नहीं बट ये फाइट एम डेज वर्सेज ऐसे ड्यूएल रहेगी टू वी के ये फाइट कौन जीत कर जा पाएगा वो देखना पड़ेगा मार्टिन का बिल्कुल अच्छे रहने वाला बट मार्टिन को थोड़ा सा

मचाएगा तो ऐसे आप लोग भी मचाएगा लाइक देगा तो एक साथ लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को

एटी क्रॉस नहीं कर पाती तब एक टीम छह मैचेस में हंड्रेड एंड थर्टी का स्कोर वो भी नए नए स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट एक, करते ऐसा नहीं कि हमेशा सेम स्ट्रेटेजी के साथ खेल रही है स्नाइपिंग भी इन्होंने एक गेम में दिखाई थी बिल्कुल यहां पर देखना बड़े दिखाई गई मेले वेपन्स हर एक चीज का हाँ। इस्तेमाल यहाँ पर किया गया गाइस अगर मैं बात करता हूँ गोलियों से तो आप लोग फाइट लेते ही लेते हो गन से फाइट लेते गोलियां चलाते बट यार उसके बाद हमको यहाँ पर देखने को मिलता है मेले वेपन एंड मेले वेपन के साथ फिस्ट फाइट भी हमको यहाँ पर कहने की देखने मिली तो गाइस एक बार चलते यार मैप्स एंड बुआ की तरफ जान लेते टोटल सिक्स मैचेस में कौन कौन सी टीम ने किस मैप के अंदर पर निकाला सबसे पहले बात करना चाहूंगा बरमुडा मैप को लेकर जहां पर एक बहुत ही शानदार निकल कर आ जाता है फोर अननोन जी हाँ गाइस बहुत ही तेजी में

जी बिल्कुल एन आज का यहां परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ऊपी होने वाला है यार आज बहुत ज्यादा मजा है बट गाइज आपके कैलकुलेशन अब शुरू हो जाने चाहिए बताओ हमें कि यार आपका कैलकुलेशन क्या कहता है आपका प्रेडिशन क्या कहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन कौन सी टीम कितने पॉइंट्स के साथ यहाँ पे क्वालिफाई करेगी सेमीफाइन का टिकट यहां पे कंफर्म करेगी तब तक हम यहाँ पे लुप्त उठाते हैं हाईलाइट का जहां पर हमारी फेवरेट टीम्स ने हमें खुश करने के लिए वो बेहतरीन नजारे दिखाए थे जिनको देखकर हमारे मुस्कान आ गई थी चेहरे के ऊपर खीरीटो फाइव यहाँ पर देने की कोशिश जंप एंड शूट की टेक्निक यहाँ पे आदिने लगे

बिल्कुल रोकने के लिए कोई देख ही नहीं रहता एंड यहां पर देखा है तो फिलहाल ये जो पहले मैच का बूया था वो कहीं ना कहीं हर एक टीम चाहती थी लेकर जाए एंड टीम लीड ने बहुत सारे एफर्ट्स यहाँ पर लगाए बट फाइनली अगर देखा जाए तो फोर उन्होंने निकाला है सी के साथ साथ यूजी एम्पायर को एलिमिनेशन दिया गया सैसीन आर्मी की तरफ से एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई थी बट उसके बाद एम बोर्ड का हेडशॉट डायरेक्टली कनेक्ट होता है और देखते देखते नॉक पे नॉक यहाँ पर निकाल याद सी के साथ साथ बात अगर मैं करता हूँ हर एक टीम चाहती थी कि अपने थी अच्छे से अच्छे से निकल निकलकर लेकर जा पाए यहाँ पर एम बोर्ड की तरफ से बिल्कुल वो बिल्कुल एक्टिव थे कि अपने बिल्कुल डाउन किया गया बट उनको फिनिश ऑफ करने से पहले ही उन्होंने चोरी छुपे जाते ने टूल के लिए खतरा था वो यहाँ पर पैदा किया गया टीम लेट की तरफ से जी बिल्कुल आरडीपी यहाँ पे आगे बढ़ते नजर आए पहाड़ी यहाँ पे स्नैपिंग के साथ एक आखिरी खेल कंफर्म किया टीम को यहाँ पे बैक टू लॉबी का रास्ता दिखाया गया जो ट्वेल्स है काफी ज्यादा जान लगा खेल रहे थे आरडीपी यहां पे अकेले प्लेयर को स्पॉट किया उसको दाराशे किया एक टीम को यहां पे बैक टू लॉबी स्वास्थ्य ज्ञान टीम लेट के बीच में ये जो फाइट आई थी कि बहुत ज्यादा शानदार थी बॉय का ये जो ग्रेनेड था तीनों प्लेयर्स को धारा शेख करने में बहुत ज्यादा खामी आया एक शॉट लेफ्ट साइड यहाँ पे काफी शानदार कवर फायर दो किल्स फटाक से यहाँ पे यूजी के खाते में नजर आए भाविक एम एड एट सेवन के साथ रोटेशन एंड डॉजेस काफी शानदार दे रहे थे बात करेंगे फिर से एक बार भाविक के बारे में ये रिलोडिंग का रोटेशन जो था वो प्लेयर को यहाँ पे चकमा देने के लिए बहुत ज्यादा काम आया आखिरी में यहाँ पे आगे बढ़े एक आखिरी प्लेयर को भाविक का शॉर्ट गया एम को बैक टू लॉबी एंड यहाँ पे आगे बढ़ाया अपनी टीम को पहाड़ी इस बार एम के साथ नजर आ रहे थे हर एक प्लेयर को यहाँ पे एंड धारा शिकाने की कोशिश फिशर यहाँ पे काफी शानदार हेडशॉट लगा रहे थे ये जो फिश फाइट थी आज तो यहाँ पे हर एक मैप में अपने अपने अलग नजारे नजर आए संजीवन ये सारे नजारों ने आज तो चार चांद लगा दिए बिल्का पर कहने के चार चांद लगाएगा और देखा जाए तो बहुत ही अच्छा गेम प्ले हमें आज यहाँ पर देखने मिल रहा था बट फोर रन बहुत ज्यादा तहलका मचा कर रखे थे न, एक आइकॉनिक की दो नॉक यहाँ पर एट ए टाइम निकाले गए गलर के साथ साथ किलर के डबल स्टर बिल्कुल काम आई और देखा जाए तो फिनिश ऑफ किया गया गेमिंग सुब्रता को उसके बाद उज्जवल के बहुत ही शानदार हमको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं कहीं ना कहीं जितने भी नेट से बहुत सारी फाइट्स हमको एट ए टाइम नजर आने वाले टीम लीड आज कोई भी कसर नहीं छोड़ी टीम्स को एलिमिनेट करने में फुल डोमिनेशन आज हमें इनकी तरफ से देखने के लिए मिल रहा था हर एक मैच में चाहे अगर देखा जाए तो कहने की तीन मैचेस ऑलरेडी बूया लेकर गए थे बट कहने की कुछ मैचेस में सेकंड पोजीशन लेकर किसी में थर्ड पर ऐसे कुछ मैचेस हमें यहाँ पर देखने में मिल रहे थे बट यू जी अगर प्रिंस की बात करें तो सबसे पहले एक नॉक निकाला उसके बाद देखते देखते एक और प्लेयर जो बचाने के लिए आते तो उनको भी हेडशॉट के साथ डाउन किया और देखते देखते दो किल्स अपने नाम करे फिलहाल यहाँ पर उज्जवल गए और देखते देखते एमडीएस गेमिंग को एलिमिनेशन यहाँ पर दे दे टी एस फुल ट्राई करी थी बट कहने की एंड सास के की तरफ से बहुत अच्छी मैं फाइट्स बोलना चाहूंगा दो नॉक्स एट टाइम उन्होंने यहाँ पर निकाल निकालकर रखे थे बट कहने की थर्ड प्लेयर आते यार फुल एचपी में थे अगर सही से मौका मिल पाता संभल कर फाइट दी तो शायद से नॉक निकाल पाते बट फोर फोर्थ उनकी ये फाइट बहुत ही शानदार थी एस एडियल को ऑफ किया गया बट उसी के साथ साथ टीम की एंट्री यहां पर हो जाती थर्ड पार्टी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा गया जी बिल्कुल एंड पर फोर को बैक टू आरडीपी के बारे में बात किया तो ये जो कोशिश थी एम एड के साथ करी गई आगे बढ़े एंड एक शॉट यहाँ पे कंफर्म करके क्रोनशील्ड के अंदर घुसने की कोशिश रोटेशन डॉचेस हर एक चीज इनकी तरफ से नजर आई आज तो यहाँ पे बिल्कुल टीम इलीड ने अपने फैंस को बहुत ज्यादा खुश किया किलर रेड नंबर आया था, था। पर्टिकुलर संजीव नमूने के बाद में बात करना चाहूंगा सोलो सर्वाइविंग काफी ज्यादा शानदार तब से जो नमूने ने पिक पकड़ा बहुत ज्यादा आगे लिखे गए हर बार इनका कम बैक नजर आया था ये ग्रेनेड काफी ज्यादा शानदार बात करेंगे हम इस पर्टिकुलर फाइट के बारे में ये एक सेकंड ऐसा लग रहा था यू जी जीत रही है बट ने मचा दिया एंड अपना जो टारगेट था इस आखिरी मैच में 12 पॉइंट्स का आई थिंक कवर कर दिया तो अगर आज 130 स्कोर यहाँ पे टीम इलेट ने क्रॉस कर दिया तो का शब्द जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लगनी चाहिए चाहे अति उत्तम लगाओ चाहे यहां पर रिकॉर्ड ब्रेक गेम प्ले लगाओ बस लगाते रहो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ एंड सपोर्ट करो आपकी फेवरेट टीम को बिल्कुल सपोर्ट करते रहेगा तो गाइस यहाँ पर वक्त हो चुका रिजल्ट्स कैन चलते हैं और जान लेते हैं कौन से वो चार नाम होंगे जो यहाँ से क्वालीफाई होकर जाएंगे तो सबसे पहला नाम यहाँ पर होने वाला टीम लीड फोर थर्टी थ्री पॉइंट लेकर जाएंगे तो रिकॉर्ड को यहाँ पर तोड़ा जाएगा सेवेंटी टू के पास

लगा दीजिएगा हर एक टीम के बाकी के टीम के बारे में बात की जाए तो हमें खुश करने की टूर्नामेंट है किसी को बाहर जाना होगा किसी को क्वालिफाई होना होगा और भी ज्यादा लेवल बढ़ेगा जब सेमीफाइनल्स में हम इन सारी टीम्स को खेलते हुए नजर आए बट संजीव हम बस सोच सकते हैं कि अगर क्वालिफाइंग राउंड में टीम इंडियन कामेंस है तो सेमीफाइनल्स एंड ग्रैंड फाइनल्स में यहां पे कितना बहुत कुछ हम यहाँ पर देखने मिल सकता आज का गेम प्ले बहुत ही शानदार था टीम लीड वन साइडेड गेम प्ले जो है वो दिखला कर देखा किल दिखाकर सर मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा हूं कितने सारे किल्स उन्होंने यहां पर कहने के निकाल गाइस अगर आप लोग भी खेलना चाहते हैं बहुत ही सिंपल आपको जाना है सबसे पहले प्ले स्टोर और एप स्टोर पर डाउनलोड कर लेना गेम डॉट टीवी एंड अगर आपने अभी तक फैन पास टूर्नामेंट सीजन टू को ज्वाइन नहीं किया है तो टूर्नामेंट के लिंक गाइस चैट में पिन करके रिकॉर्ड साथ साथ कैरी मिनाड़ी गिल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गांड गाइस हम लोग भी ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट सर लगातार वापस आते रहेंगे तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट